भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय पृथु महाराज के दिव्य चरित्र का श्रवण आप किए। अब उनके वंश परंपरा में प्रचेताओं की कथा है। जैसा कि विदुर जी ने प्रश्न किया है कि प्रचेता कौन है, जिनके यज्ञ में देवर्षि नारद ने ध्रुव महाराज के चरित्र को गाया, तो प्रचेताओं के विषय में पहले से विदुर जी प्रश्न कर चुके हैं, इसलिए उनकी कथा प्रस्तुत करने के लिए अब मैत्रेय मुनि पृथु महाराज की वंश परंपरा की कथा कहते हैं। महाराज पृथु के बाद उनके उत्तराधिकार को उनका बड़ा पुत्र विजितास्व प्राप्त किया। विजितास्व को राजा बनाकर महाराज पृथु तपस्या के लिए चले गए और विजितास्व बड़ा ही स्नेही स्वभाव के थे। वे अपने अन्य भाइयों को से बहुत प्रेम करते थे और अलग अलग दिशाओं का राजा बना दिए, अधिकार सौंप दिए। तो इस प्रकार विजितास्व अपने भाइयों को राज दिए, जैसे हरियक्ष को पूर्व दिशा का, धूमकेतु को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा। विजितास्व इंद्र से घोड़ा जीते थे। एक बार देवराज इंद्र इनके वीरता से प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिए थे अंतर्धान होने का, जब चाहे तुम छिप सकते हैं, तो इसलिए इनका एक नाम अंतर्धान भी था। महाराज विजितास्व के अनेक पुत्र थे, जिन पुत्रों के विषय में बतला रहे हैं। शिखंडिनी नामक इनकी पत्नी से तीन पुत्र थे, पावक, पवमान और सूची। ये तीनों अग्नि के रूप हैं, जो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। और इसके साथ नवस्वती नाम की एक पत्नी थी, जिसे हविर्धान को प्राप्त किए। महाराज विजितास्व के बाद यही हविर्धान राजा हुआ। तो हविर्धान बर्हिषद आदि छह पुत्र प्राप्त हुए। तो हविर्धान ने बर्हिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य, जित, व्रत, ऐसे छह पुत्र प्राप्त किए। तो बर्हिषद बड़े थे, तो बर्हिषद यज्ञ आदि कर्मकांड और योगाभ्यास में बहुत निपुण थे और इतना यज्ञ किए थे कि इनको प्रजापति का पद प्राप्त हुआ था। संपूर्ण पृथ्वी कुशों से पट गई थी, इतना यज्ञ। अभी यहाँ किए तब तक इसके बाद वहां और जहां भी यज्ञ होता था कुशों की चटाई बिछाई जाती थी। कुश की चटाई, घास होता है कुश, यज्ञ में कुश का बहुत बड़ा महत्व है। इसके यज्ञ के हवन आदि के लिए पैंती बनाई जाती है, आसन भी बनाया जाता है बैठने के लिए कुश का। तो यहाँ यज्ञ हुआ और कुश के चटाई बिछाए गए, फिर छोड़कर दूसरे जगह चटाई उठाया नहीं जाता था। तो वो चटाई दूब और कुश ऐसा घास है कि बाद में थोड़ा सा भी उस शीतलता पाकर, धरती का संपर्क पाकर फिर जम जाते हैं, सूखे घास भी। फिर वे धरती पर उगने लगे। इस तरह से यहाँ से वहां, वहां से वहां, सर्वत्र पृथ्वी पर केवल कुश ही कुश दिखाई देने लगा। कुश को संस्कृत में बरही कहते हैं, बरही शब्द। तो ये सब कुश प्राची दिशा के, पूरब दिशा की ओर मुख करके यज्ञकर्ता बैठते थे। तो इसको प्राची भी मुख कुशों से पृथ्वी पट गई। इतना यज्ञ किए कि संपूर्ण पृथ्वी पूर्वाभिमुखी कुशों से पट गई, इसलिए महाराज बर्हिषद को प्राचीन बरही कहा जाने लगा। प्राची पूर्व दिशा, प्राचीन बरही। तो महाराज प्राचीन बरही ब्रह्मा जी की आज्ञा से समुद्र की पुत्री शतद्रुति से विवाह किए। शतद्रुति बहुत ही सुंदरी थी। मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं कि जब सर्वांग सुंदरी शतद्रुति वस्त्राभूषणों से सज कर विवाह मंडप में घूमने के लिए आई,
तो स्वयं अग्निदेव मोहित हो गए, वैसे मोहित हो गए जैसे सुखी को चाहा था। तो नवविवाहिता सतदुति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो इतनी सुंदर थी, दिशा विदिशा चारों तरफ देवता असुर गंधर्व मुनि सिद्ध नाग सभी को बस में कर ली। जितने लोग उसको देखे वो सभी मोहित हो गए। कारण क्या है, समुद्र की बेटी थी और समुद्र की बेटी एक बार और निकली थी समुद्र मंथन के समय, तो यही हाल हुआ था लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को देखकर सभी लोग मोहित थे और लक्ष्मी की बहन है सतदुति समुद्र की बेटी। तो सतदुति से विवाह महाराज प्राचीन बरही किए, प्रसंग पाकर उसके सौंदर्य का थोड़ा वर्णन किए और उनसे प्राचीन बरही ने 10 पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम है प्रचेता। वो है प्रचेता, प्रचेताओं की श्रृंखला आ गई। यहाँ पृथु महाराज से विजितास और विजितास से हविर्धान, हविर्धान से प्राचीन बरही। बस सीधा सा बहुत ज्यादा श्रृंखला नहीं है, पृथु विजितास हविर्धान और बरही सब प्राचीन बरही। तो इस प्रकार इसी पृथु महाराज के वंश में प्रचेता गण है, जो ध्रुव महाराज के वंश परंपरा में पृथु महाराज आए और पृथु महाराज के विजितास, विजितास के हविर्धान, हविर्धान के बरही सद प्राचीन बरही और प्राचीन बरही के प्रचेता। समुद्र पुत्री सतदुति से इनका जन्म हुआ। बड़े धर्मज्ञ थे और एक नाम और एक आचरण वाले थे। हमारे वैदिक इतिहास में ऐसे अनेक कथाएं हैं जो एक स्वभाव के कई लोग हुए हैं, जैसे ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादिक, एक स्वभाव एक विचार और देखने में भी एक जैसे, एक साथ रहते भी थे। और अश्विनी कुमार 2 थे एक साथ, जहां जाते थे एक साथ रहते थे। और ऋषभ देव के 9 पुत्र, 9 जोगेंद्र, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबोध पिपलायन आवि होत दुमिल चमस्कर भाजन आदि, सब एक साथ रहते थे, एक साथ चलते थे और एक स्वभाव के थे। उसी प्रकार इनके पुत्र हैं प्राचीन बरही के प्रचेता। ये लोग अपने पिता प्राचीन बरही के आज्ञा से तपस्या करने के लिए गए, सृष्टि करने के लिए। तपस्या करने वो लोग समुद्र में गए, वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या किए, भगवान श्री हरि की आराधना किए 10,000 वर्ष तक। और घर से निकलते समय ही देखिए संयोग की बात, मार्ग में उनको भगवान शिव का दर्शन हो गया जब ये लोग जा रहे थे। तो शिव जी का दर्शन हो गया तो भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके भजन की पद्धति पूछे, तो शिव जी ने उनको एक स्तोत्र सिखाया और उस स्तुति से ये लोग भजन किए। और रुद्र गीत है, भगवान शिव के मुख से निकला हुआ गीत। तो विदुर जी पूछते हैं कि मार्ग में प्रचेताओं को महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने क्या उपदेश किया। मान लीजिए केवल यह कह देते कि शिव जी ने एक उपदेश किया, एक स्तोत्र सिखाया और उसी स्तोत्र से लोग भगवान को प्रसन्न किए, इसलिए भगवान हरि उस स्तोत्र से प्रसन्न हो गए, तो इतना से काम नहीं चलने वाला है। सुनने की इतनी लालसा है विदुर जी की कि केवल स्तोत्र कहने से काम नहीं चलेगा, क्या उपदेश किए एकदम आए जी टी जे के श्लोक बताइए। ऐसा नहीं कि बस शिव जी कुछ श्लोक सिखा दिए, कुछ स्तुति और उसको प्रचेता लोग कर दिए, कह दिए भगवान की आराधना किए, बस निर्विशेष स्तुति नहीं, एकदम स्पष्ट स्तुति का वर्णन कीजिए, क्या स्तोत्र सिखाए थे। शिव जी का दर्शन, उनसे बातचीत, उनकी कृपा प्राप्ति साधारण मनुष्यों की बस की बात नहीं है। ये लोग निश्चित रूप से सौभाग्यशाली थे, बड़े बड़े मुनियों को भी शिव जी का दर्शन मुश्किल है। लोक शिक्षा के लिए, लोक सृष्टि की रक्षा के लिए घूमते हैं अपना रूप धारण करके, कभी कभी ऐसे पिशाच रूप में घूमते हैं कि लोग पहचान भी नहीं पाते, लेकिन कृपा पूर्वक इन ज्ञान दिए हैं प्रचेताओं को। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि
विदुर जी साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा से जब जा रहे थे, चलते हुए उन्होंने देखा एक सरोवर, बहुत बड़ा सरोवर था समुद्र जैसा, और जाकर उसमें मन बनाए कि अब भजन करेंगे। तब तक उसी सरोवर में जहां उन्होंने निश्चय किया कि यही भजन करेंगे, शांत है, एकदम सुंदर वातावरण है और एकांत है, निर्जन है, जब ये लोग उस सरोवर के पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव उसी सरोवर से निकल रहे हैं अपने गणों के साथ। उनका शरीर खूब सुंदर तपाए हुए सोने की समान चमक रहा था, नीलकंठ, विशाल नेत्र, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए एकदम उद्यत। उनको देखकर सहसा अचानक उस सरोवर से निकलते देखकर प्रचेताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुतूहल हुआ, और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद बड़ा ही विनीत भाव से उनसे आग्रह किए। जब भगवान शिव राजकुमारों को देखा, प्राचीन बरही के पुत्रों को, बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए उन पर कहने लगे कि हे प्राचीन बरही के पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो कुछ करना चाहते हो सब मुझे मालूम है, तुम चाहते क्या हो, इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए मैं दर्शन दिया हूँ। कोई अलग से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं किए प्रचेतागण, देखिए कितनी बड़ी कृपा है शिव जी का, अलग से शिव जी को प्राप्त करने के लिए भजन करना पड़ता है, जैसे भगीरथ जी ने किया था उनके लिए। तो भगवान शिव को प्राप्त करना बहुत कठिन काम है, लेकिन कह रहे हैं कि मैं आप लोगों पर कृपा करने के लिए आया हूँ, दर्शन दिया हूँ। कहते हैं कि अपने वर्णाश्रम की भली भांति कोई सेवा करता है, खूब बढ़िया से नियम पूर्वक पालन करता है 100 जन्म तक, तो उसको ब्रह्मा का पद मिलता है, और उससे अधिक पुण्य प्राप्त करता है तब वो मुझे प्राप्त करता है। परंतु भगवान का अनन्य भक्त जो है वो मृत्यु के बाद सीधे भगवान को प्राप्त करता है। थोड़ा सा इसी जितना जीवन उसको है उतना ही जीवन में भजन कर लेता है तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। मैं आपको एक गीत सिखाऊंगा जो मेरे द्वारा रचित गीत है, इसको रुद्र गीत कहते हैं। जो अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकारों की समाप्ति के बाद प्राप्त करते हैं, वो गीत तुम याद करोगे, इसकी स्तुति करोगे तो तुम इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त कर लोगे, ऐसा मैं सिखाऊंगा। स्वधर्म निष्ठ सत जन्म भी पुमान, अपने धर्म में निष्ठ होकर 100 जन्म तक व्यक्ति, 29वां नंबर का श्लोक। स्वधर्म निष्ठ सत जन्म भी पुमान, जीव अपने धर्म में निष्ठ होकर 100 वर्ष तक, 100 जन्म तक, 100 वर्ष नहीं 100 बार जन्म लेता है। अब जितना उम्र हो, 100 वर्ष, 80 वर्ष, जितना, इस तरह से जब 100 बार जन्म लेता है और भजन करता है, अपने धर्म का आचरण करता है, तब विरिंचता में ततः परम हिमाम, तब वह विरंची का पद प्राप्त करता है, और उससे अधिक भजन करता है तो मुझे प्राप्त करता है। अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्यये, और जो मैं स्तोत्र बतला रहा हूँ इसका पाठ करने वाला इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो बड़े बड़े देवताओं के लिए कठिन है, सीधे भगवान को। तो तुम लोग भगवत भक्त हो, भगवान के प्यारे हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये स्तुति दे रहा हूँ, स्तोत्र दे रहा हूँ। भगवान के भक्तों को मुझसे बढ़कर और कोई प्रिय नहीं है, भगवान के भक्त लोग हमसे प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे द्वारा दिए गए स्तोत्र का पाठ करना, तुम्हारा कल्याण होगा निश्चित रूप से, अपने से दे रहे हैं कृपा पूर्वक। तो भगवान रुद्र बहुत ही लंबा स्तोत्र में भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, जिसके विदुर जी जिज्ञासा किए हैं। भगवान रुद्र स्तुति में कहते हैं कि जितम ता आत्म विदर्धु यह स्वस्तये स्वस्ति रस्तु में भवता राधसा राधम सर्वस्मा आत्मने नमः।
हे भगवान, उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए हैं, उससे मेरा कल्याण हो। आप सर्वदा अपने आनंद में स्थित रहते हैं, आप सर्वात्मक स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप पद्मनाभ इन लोकों के कारण हैं, आपके नाभि से कमल निकला, कमल पर ब्रह्मा आए, ब्रह्मा इस भूत जीवों की रचना किए, और भूत सूक्ष्म तन्मात्रा इंद्रियों के नियंता शांत एकरस स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता आप ही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान के स्वरूप को नमस्कार करते हुए कहते हैं, नमः पंकज नाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय सोरोचिसे। हे प्रभु, आप वासुदेव स्वरूप हैं, चित्त के अधिष्ठात्री देव हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। फिर संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांत काय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रदुम्नायांत रात्मने। हे प्रभु, आप ही सूक्ष्म अव्यक्त और अनंत मुखाग्नि से लोगों का संहार करने वाले हैं, अधिष्ठाता शिव के भी अधिष्ठाता संकर्षण है। जब महाप्रलय होता है तो भगवान संकर्षण अपना मुंह फैलाते हैं, उनसे आग निकलता है और चट 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 करके सारा विश्व जल कर खाक। तो आप संकर्षण है, अहंकार के अधिष्ठाता देव, चित के अंदर जो चार अंतः चतुष्टय है, चित अहंकार बुद्धि और मन, मन बुद्धि अहंकार चित जैसे भी कहिए, तो चित के अधिष्ठात्री देव वासुदेव हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अहंकार के अधिष्ठात्री देव संकर्षण है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बुद्धि के अधिष्ठात्री देव प्रद्युम्न है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और मन के अधिष्ठाता देव भगवान अनिरुद्ध हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। इस तरह भगवान के स्वरूप वो नमस्कार कर रहे हैं, कई जगह हर श्लोक में प्रायः नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने, नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने है, स्वर्गापवर्ग द्वाराय नित्यम सूचि सदे नमः, नमो हिरण वीरजाय चातुहोत्राय तंतवे, नमः ऊर्जैषे त्रय्या पतये जगरेतसे। सब जगह नमः 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 नमः, नमः पूर्णाय लोकाय अमुष्मयी भूरिवर्च से नमस्कार। तो इस प्रकार नमस्कार करते हुए कहते हैं, आप पितर देवताओं के पोषक हैं, वेदों के अधिष्ठाता हैं, आपको नमस्कार है। भगवान के एक एक गुण की चर्चा करते हुए नमस्कार करते हैं, प्रवीरताय निवृताय पितृदेवाय कर्मणे, नमो धर्म विपाकाय मृतवे दुखदाय च। हे प्रभु, आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति रूप कर्म, देवलोक को प्राप्ति कराने वाले निवृत्ति रूप कर्म, तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं, आपको नमस्कार है। दुख देने वाले काल भी आप हैं, नमस्ता आशीषामीश, आशीष के ईश, जितने आशीर्वाद दिया जाता है उसके आप ही स्वामी हैं, ईश हैं। मनवे कारण आत्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठ मेध से पुरुषाय पुराणाय सांख जोगेश्वराय च। हे नाथ, आपको नमस्कार है, आप ही पुराण पुरुष हैं, सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं। आप सब प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाले मंत्र मूर्ति धर्म स्वरूप आप हैं, आपको नमस्कार है। सब प्रकार के ज्ञान देने वाले और किसी भी प्रकार ज्ञान बाधित न हो, ज्ञान को कुंठित न किया जाए, इसकी शक्ति आप में, ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। तो इस तरह अपने स्तोत्र में भगवान को अनेक तरह से नमस्कार किए हैं। दर्शनम नो दिदिक्षुणाम देही भागवतार्चितम प्रियम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। हे प्रभु, आपकी दर्शन की अभिलाषा है, हम आपके भक्त जन आपकी पूजन करते हैं, आप कृपा कीजिए, अपना स्वरूप मुझे दर्शन दीजिए, अपने स्वरूप की झांकी दिखाइए, आपके
दर्शन की लालसा है, हम आपका रूप देखना चाहते हैं, हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही है, आप दर्शन दीजिए प्रभु। प्रार्थना करना पड़ता है भगवान से कि हे प्रभु आप दर्शन दीजिए। और वर्णन कर रहे हैं कितना सुंदर रूप है आपका, वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम सौंदर्य है, स्निग्ध प्राविडक घनश्याम सर्व सौंदर्य संग्रहम भगवान के रूप का वर्णन। चरवाय तत् चतुर्बाहु सुजात रुचिनाननम पद्म कोश पलासाक्षम सुंदर भ्रु सुनाशिकम सुद्युजम सुकपोलाश्यम समकर्ण विभूषणम। भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, आपका सुंदर रूप है, सुंदर चार भुजाएं हैं, महामनोहर मुखारविंद है, कमल दल के समान नेत्र है, सुंदर भ्रमें हैं, सुघर नासिका है, मनमोहन दंत पक्ति है, बहुत सुंदर गाल है और उन्मुक्त हास्य है, खूब सुंदर मुस्कान है, बड़ी सुंदर चितवन है। हे प्रभु आपकी काली काली घुंघराली अलकें जो लटकती हुई गालों तक आती हैं, कमल पुष्प कुसुम के समान फहराता हुआ आपका पीताम्बर बहुत सुंदर लगता है, झिलमिलाता हुआ कुंडल, चमचमाता हुआ मुकुट, हार मेखला आभूषण शंख चक्र गदा पद्म वनमाला कौस्तुमणि सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपके उस रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। और आपके चरण कमल की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति को तिरस्कार कर रहा है। पदा शरद पद्म पलाश रोचिषा नख दुभीर नोन तरघम विधुन्वता प्रदर्श सुयम अपास्त साधुसम पदम गुरु मार्ग गुरु तमोजुषाम। हे प्रभु आपके चरण बहुत सुंदर है, कमल से भी सुंदर लाल लाल है, बहुत सुंदर दिख रहा है, और उसके नख का प्रकाश तो हृदय के अंधकार को दूर कर देता है। भगवान के चरण नख की ज्योति ब्रह्म ज्योति है, ये ध्यान दीजिए। भगवान के चरणों के जो नख है उसमें इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश से वो वैकुंठ प्रकाशित रहता है, और वैकुंठ का प्रकाश बाहर जब निकलता है तो ये ब्रह्म ज्योति से ब्रह्मलोक प्रकाशित रहता है, उनके लोक उनके नख की ज्योति से, कोई सूरज की जरूरत नहीं और ये ताप नहीं है नख ज्योति में, शीतलता है। और उस ज्योति का निर्विशेष ज्ञानी लोग चिंतन करते हैं और उस ज्योति इतना सुखमय है कि उसी को अपना ध्येय मानकर चिंतन करते उस ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, अपना सत्ता खो देना चाहते हैं, इतना रसमय है ज्योति। तो इस ब्रह्म ज्योति भगवान की उनके नख की छटा है, नख की कांति है, तो उस नख ज्योति के स्मरण करने से हृदय के अंदर जो अज्ञान है वह अज्ञान समाप्त होता है। नख की ज्योति से जो हृदय का अग है, पाप है, वासना है, वो समाप्त हो जाता है। आप कृपा करके भक्तों के भयहारी अपने उस रूप को दर्शन कराइए। हे जगत गुरु हम आपके इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं, आप हमें दिखाइए। अज्ञान से आवृत जो हृदय है उसको दूर कर देता है आपका दर्शन। जब प्रकट होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश ही तबहि, जब जीव हमारे सामने पड़ जाता है, हमारे स्वरूप को देख लेता है, तो भगवान राम कहते हैं उसके जन्म जन्मांतर के करोड़ों जन्मों का पाप तत्काल समाप्त। तम दुरा आराध्य माराध्य सतामपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछेत पाद मूलम बिना बही। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, बड़े बड़े सत आचरण करने वाले साधु पुरुष भगवान की भक्ति करते हैं, बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है भगवान का चरण, जिनकी प्रसन्नता किसी भी साधना से दुस्साध्य है, भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा, बहुत कठिन है, लेकिन ये आसानी से प्राप्त हो जाता है, भगवान कृपा करते हैं। तो इस प्रकार जो अदम्य उत्साह से पराक्रम से
और भौंहे के इशारे से संसार का संहार कर डालते हैं भगवान काल, वह भी आपके चरणों के शरण में आए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं समझते। जो समस्त जगत को नष्ट करने की क्षमता रखता है काल, जिसके आंखों के इशारे से जगत जलने लगता है, महाकाल भगवत स्वरूप, वह महाकाल भी भगवान के भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे भक्त की महिमा कितनी है। उसी संदर्भ में कहते हैं, क्षणे क्षणार्धे ना पितुलय न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संग समर्त्या नाम की मुताशी। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, भागवत में कई बार आया कि ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त का संग यदि आधा क्षण के लिए मिल जाए तो उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष की तुलना नहीं की जा सकती। फिर इन मर्द लोग की संपत्ति के क्या वैल्यू है, क्या तुलना है। भगवान के प्रेमी भक्त जिन पर काल का दाल नहीं गलता, कुछ नहीं काल कर सकता। अभी तो आप लोग देखे हैं ना इसी चरित्र में कि काल का दाल नहीं गला ध्रुव महाराज के सामने, आए हाथ जोड़कर कि आप शरीर छोड़िए और उसके सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम में चले गए, विमान पर चढ़ गए। इसी शरीर से यही शरीर दिव्य हो गया, इतनी महिमा है भक्तों। काल नहीं कुछ भी बिगाड़ सकता। अथवा काल का कंट्रोल का अर्थ यह है कि भक्त लोग भजन में इतना मस्त रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, बीतते हुए काल का अपव्यय नहीं होता उनके सामने। ऐसा नहीं कि काल उनको कुछ गलत काम में नियुक्त कर देता है और इसके चलते वो नरक जाएंगे या दुख भोगेंगे, ऐसा उचित समय बीतता है। जिसे भगवान का भजन करते हैं, काल उनको भूत भविष्य वर्तमान में नहीं तिरोहित करता है, कभी किसी स्थिति में डाल दे, कभी शोक में डाल दे, कभी भय में, ऐसा नहीं करता। काल की तीन वृत्ति है, भूत भविष्य वर्तमान। तो भूत जो है वो समय को इतना जल्दी जल्दी काटता है, काल की एकदम कभी कभी क्षोभ होने लगता है, हमारे जीवन की इतना समय बीत गया, शोक होने लगता है, शोक करते हैं। तो शोक की स्थिति काल का ये जो भूतकालिक समय है उसके लिए भक्तों के जीवन में शोक का विषय नहीं उपस्थित कर पाता है। भजन करते हैं, भूत में भजन करते, वर्तमान में करते, भविष्य में करेंगे, कोई टेंशन नाम का चीज नहीं। और न उनके सामने ऐसा भय है कि बाप रे बाद में क्या होगा, भजन होगा कि नहीं। उनकी मानसिकता, उनकी चित्तवृत्ति एकदम पूर्णतः कृष्ण भावना भावित रहता है, इसलिए काल का कोई असर नहीं है। वर्तमान में भी व्यामोह उनको नहीं घेरता है, मोह में पड़कर व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार बहुत लंबा स्तोत्र है, सभी श्लोकों को तो छुया नहीं जा सकता है। फिर कहते हैं, प्रभु जीव विविध प्रकार के कर्मों में पड़ा रहता है, आपकी माया शक्ति जीव को ऐसे तंग करती है, लेकिन हे प्रभु जो माया की वृत्ति है, जो महत्व अहंकार आदि देवता ऋषि पितर सब इस जगत की सृष्टि आप जैसे करते हैं, और आपके द्वारा माया शक्ति विविध प्रकार के जीवों को जन्म देती है और जीव समुदाय इन तुच्छ विषयों के फेरे में पड़े रहते हैं, तो हे प्रभु ये तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से नहीं, प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप जो प्रचंड आपका वेग है, इस संपूर्ण जगत को संहार कर देता है। जैसे वायु अपने असहनीय प्रचंड से इधर से उधर तीतर बितर मेघों को कर डालती है, तो वैसे ही लोगों की स्थिति है काल रूप से। कोई निर्धारण नहीं हो पाता कि जीव को क्या करना है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ माया के झकोरे में जीव कभी ऊंच स्थिति में कभी निम्न स्थिति में पड़ा रहता है, और यह माया काल के द्वारा किस तरह से प्रेरित करती रहती है लोग समझ नहीं पाते। विविध प्रकार के प्लानिंग में रहते हैं, ये करना है वो करना है, तब तक आप काल रूप में बिल्कुल सावधान रहते हैं। आप लापरवाह नहीं है, जीव लापरवाह है,
कर्म करता है ऊंच नीच, और उस कर्मों के कारण कभी स्वर्ग में कभी नरक में, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, दंड जेन राजा जेन नदी ते छुबाए। लेकिन आप बिल्कुल सावधान है, प्रमत्त मुचई रितिकृत चिंतया प्रविरुद्ध लोभम विशेष लालसम तम प्रमत्त सहसा विपद से छूले लिहानो अहिरीवा खुमंतक। ये श्लोक भागवत में दो बार आया है, यहाँ रुद्र गीत में भी आया है। इसको एक बार भगवान के सामने मुचकुंद महाराज भी भगवान से स्तुति करते हुए इस श्लोक को बोले हैं दशम स्कंद में, ठीक इसी श्लोक को हु बहु। इसको भगवान शिव भी कह रहे हैं रुद्र गीत में, प्रमत्त मुचई रितिकृत चिंतया प्रविरुद्ध लोभम विशेष लालसम तोम प्रमत्त सहसा विपद से छूले लिहानो अहिरीवा खुमंतक। और इसमें कहते हैं हे भगवान, जीव जो है अपने कर्म वासना के कारण प्रमत्त है, और प्रमत्त होने के कारण, प्रमत्त माने मोह ग्रस्त है, एकदम शराब पिए जैसा पागल, कभी यह करना है वह करना है यह करना है। अप्रमत्त मुचई रितिकृत चिंतया, यह सोचता रहता है मोह बस कि यह काम करना है यह बाकी है, हर समय इसी में सोचता है यह काम, इतना काम हुआ, मीटिंग करके निर्णय लिया ये काम करना है, प्लान बनाता है करता है, और तब तक कभी काम की लिस्ट पूरा ही नहीं हुआ, बाकी ही रहता है। इतिकृत चिंतया, यह करना है वह करना है, और ऐसे करते करते उसके काम करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, बल्कि प्रविरुद्ध लोभम विषयेषु लालसम, अगर उसके काम में सफलता मिला तो और लोभ बढ़ता है, चलो और बढ़िया से करेंगे ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर घाटा लग गया तो क्रोध होता है, अरे यार इतना परिश्रम किया कुछ हाथ नहीं आया, एकदम चिंता बढ़ जाती है, और जब सफलता मिलता है तो प्रविरुद्ध लोभ लोभ बढ़ता है, विशेष लालसम विषय की लालसा बढ़ती है, लोभ बढ़ जाता है, विषयों की लालसा बनी रहती है, और वह इतना बेचैन रहता है कि आप हर दिन उसके उम्र को काट रहे हैं एक एक क्षण, रोज उसकी आयु समाप्त होती जा रही है, लेकिन वह इतना लापरवाह है कुछ ध्यान ही नहीं देता, कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक ट्रक चलाता है रात भर, यहाँ का माल वहां, वहां से कश्मीर से कन्याकुमारी एकदम हाईवे पर चलता रहता है, और लेकिन तम प्रमत्त, आप अप्रमत्त हैं, आप इस तरह बेहोश नहीं हैं, सहसा विपद से अचानक उस पर आक्रमण करते हैं, कैसे, जैसे लापरवाह चूहा अनाज के दाना को उठाता है, कभी यहाँ से इस बिल में, वहां से यहाँ, वहां से वहां, किसानों के खलिहान में जब अनाज आता है धान गेहूं, तो हम लोग खूब देखे हैं, बिना मतलब के, कोई जरूरत नहीं है उतना, लेकिन बिल बना करके और धान के बाल को काट काट कर बिल में ऐसे सरिया कर बढ़िया से रखता है सजा कर, उसी प्रकार जैसे चूहा लापरवाह है, फुर्सत नहीं है, बिजी लाइफ है, यहाँ से वहां यहाँ से वहां, लेकिन सर्प जो है वो उसके बिल के पास आकर ऐसे गेड़ी मार कर बैठा रहता है सावधान होकर, कि जब ही वो बीजी चूहा जब उसके पास से जाता है उसके फन के रेंज से, ते वही पकड़ लेता है उस लापरवाह चूहे को, जैसे सांप पकड़ता है, वैसे हे प्रभु आप काल रूप में सदा सावधान हैं और जीव असावधान है। प्रमत्त जीव के लिए प्रमत्त कहा गया, प्रमत्त ऊंचे रितिकृत चिंतया, इतना पागल है, इतना बेहोश है, यह करना है वह करना है, फुर्सत कहाँ है, एकदम फुर्सत नहीं है, एकदम बिजी लाइफ, चलते चलते खा लेता है, कुछ भी कर लेता है, कुछ टैबलेट खा लेता है, कभी कभी फुर्सत नहीं खाने का, शक्ति बनी रहेगी, चलो जूस पी लिया, कुछ कर लिया, ट्रेन में खा लेता है, चल रहा है, प्लेन में चलता है, खाता है, फुर्सत नहीं है, ना खाने का फुर्सत है, ना सोने का फुर्सत है, रास्ते में थोड़ा सो लिया, और उस प्लेन में भी ट्रेन में भी ऑफिस बनाकर चलता है, हमेशा काम में देखता है कंप्यूटर खोलकर, बेहोश है, इतिकित चिंतया, एकदम बेहोश, अतः तब तक तम प्रमत्त, आप अप्रमत्त है सहसा विपद से, आप अचानक आते हैं और उसको एकदम दबोच देते हैं, चल रहा है बिजी लाइफ में, बस कार दुर्घटना में खत्म, प्लेन दुर्घटना हुआ खत्म,
कुछ हो जाता है अचानक, यह करना है वह कर, ये घटा लगा, ये हुआ, बहुत हार्ड चिंतन करने लगा, बस हार्ट अटैक जा। तो आप बिल्कुल सावधान हैं, आप काल रूप से सहसा उसको ले बीतते हैं, लील लेते हैं, अनुवाद करते हैं कि आप ले लेते हैं उसको, एकदम निगल लेते हैं, लील जाते हैं, जैसे सर्प चूहा को। इस तरह से आप सावधान है प्रभु, आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरणों को बिसारेगा, कौन होगा। कस्तत् पदाब्जम बिजहाति पंडितो, अरे ऐसे मूर्ख लोग आपके चरणों को छोड़ देंगे, लेकिन पंडित नहीं छोड़ सकता है, न बिजहाति। कस्तत् पदाब्जम बिजहाति पंडितो यस्ते व मान व्यमान केतना विशंकयास्मद गुरुरर चतिस्म यद बिनो पपत्तिम मनवस चतुर्दश। हे प्रभु, आपके चरण कमलों को कोई विद्वान नहीं बिसार सकता है, मूर्ख लोग भले छोड़ सकते हैं लेकिन विद्वान नहीं। इसकी पूजा तो काल की आशंका से, काल हम पर हावी है, ब्रह्मा जी और स्वयंभू मनु आदि 14 मनु भी बिना विचार किए केवल श्रद्धा से आपका भजन करते रहते हैं, वे लोग भी काल से भयभीत रहते हैं। एक ऋषि हैं, प्रसंग पाकर मैं कह रहा हूँ, लोमस ऋषि, नाम सुने हैं लोमस ऋषि का? तो लोमस ऋषि की कितनी आयु है पता है? एक ब्रह्मा का आयु पूरा होता है तो लोमस ऋषि के शरीर का एक रोम टूटता है, और फिर ऐसे करके जब पूरे शरीर का एक एक रोमा झड़ जाता है तब लोमस ऋषि की मृत्यु होती है। और वो लोमस ऋषि कोई कुटिया नहीं बनाए हैं, कोई आश्रम नहीं बनाए हैं। तो एक बार महात्माओं ने उनसे जिज्ञासा किया कि आपका कहाँ आश्रम है, कोई आप आइडेंटिटी अपना बतलाइए ना, पता कहाँ रहते हैं। तो कहते रहता हूँ हिमालय में, जहाँ तहाँ जैसे तैसे भजन कर लेता हूँ। तो कुटिया, अरे कुटिया क्या बनाना है जब एक दिन मरना ही है, तो अब बताइए। लोमस ऋषि को चिंता है कि मरना है, उनको चिंता है कि एक दिन शरीर छूट जाएगा, क्या घर बनाना है। आ हम लोग बस में ट्रेन में चलते हैं, अगर जनरल में चले या बस में कभी, तो सीट पर बैठ गए और कुछ दूसरा आकर कहता है मैं इस पर पहले आया था, अरे इसे क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ, मैं पहले से जगह घेरा हूँ, तुम क्यों, केवल एक घंटा दो घंटा की यात्रा के लिए लड़ाई कर जाते हैं, बाज जाते हैं आपस में। तो उन लोगों को के ऊपर भी, मनु महाराज के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर काल की आशंका है कि एक दिन मरना है। वो लोग सजग रहते हैं, भजन करते हैं, वो लोग विद्वान हैं। वास्तव में वो व्यक्ति विद्वान है जिसको यह ज्ञान है कि एक दिन मरना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अनुदर्शन है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, फिलॉसफी है कि देखना चाहिए जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, चार चीज। ये जन्म का अर्थ है कि हम जन्म के पहले यहाँ नहीं थे, कहाँ थे, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। जिस घर को, जिस स्थान को आप अपना समझ रहे हैं वो नहीं था कुछ दिन पहले, फिर मृत्यु के बाद आप हटा दिए जाएंगे यहाँ से। जन्म के पहले नहीं थे, जिस जगह को आप अपना मानकर इतना हाय हाय कर रहे हैं वो घर जन्म के पहले नहीं था। और मृत्यु का अर्थ है कि मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, आपको यहाँ से किक आउट होना पड़ेगा, चलना हटना है। और फिर इस बीच में जरा व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी, तरह तरह के रोग, क्या सुख है इस संसार में। इसलिए हे ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत काल के भय से व्याकुल है, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों को, तो इस समय आप ही सर्वथा भय सुन आश्रय हैं प्रभु, आपका हम भजन करते हैं। ये है स्तुति, यहाँ 68 श्लोक तक ये रुद्र गीत की स्तुति है। और इसके बाद कह रहे हैं कि हे राजकुमारों, आप लोग इस स्तोत्र का जप करते रहिए, आपका मंगल होगा। इस स्तोत्र को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को उपदेश किया और इसको जप कर वे लोग प्रजा की सृष्टि किए हैं। और हम आपको बताएं, आप इस स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान हरि प्रसन्न होंगे। और आप चाहते हैं अपने पिता की आज्ञा पालन करना सृष्टि, तो इससे आपकी सृष्टि में सहायता प्राप्त होगी।
एकाग्र चित्त से नित प्रति जपिए। जो भी व्यक्ति, केवल आप ही लोग नहीं, यह अथेदम नित्यता युक्तो जपन न वहित पुमान अचिरा श्रेय आपनोति वासुदेव परायण, जो व्यक्ति इसको जपेगा, कोई कथा सुनने वाले आप लोग भी, तो एकाग्र चित्त से जप करने पर शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, भगवान शिव कह रहे हैं। इस प्रकार यह निश्चित रूप से संसार सागर को पार कराने वाला स्तोत्र है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, बहुत ढंग से लोग भजन करते हैं, लेकिन मेरे इस स्तोत्र का जो व्यक्ति नित्य पाठ करता है श्रद्धा पूर्वक, वो सुगमता से भगवान को प्राप्त कर लेता है। यह इमम श्रद्धया युक्तो मद गीतम भगवत्स्तमम अधियानो दुराराध्यम हरि माराध्य यत्यसौ। अगर कोई इसको पाठ करता है श्रद्धा से युक्त होकर, मेरे गीत को, मेरे द्वारा बोले गए गीत से भगवान को प्रस्तुति करता है, तो भगवान हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उस पर। इसलिए आप लोग मेरे द्वारा गाए गए स्तुति स्तुति से पाठ कीजिए, आपकी मन की कामना पूर्ण होगी। जो पुरुष सुबह में उषा काल में उठकर हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक इसको पढ़ता है, सुनाता है, वह सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इदम यह कल्प उत्थाय प्रांजलि श्रद्धयान्वित, हाथ जोड़कर इस स्तोत्र का पाठ करना है। गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुंसः परमात्मनस्तवम जपंत एकाग्र धियस्तपो महत चरध्वमन्ते तत आप्य स्थेप्सितम। इस प्रकार मैं जो आप लोगों को यह स्तोत्र सुनाया, इसे एकाग्र चित्त से आप लोग जपिए, यह जप करते हुए तपस्या कीजिए, भगवान प्रसन्न होंगे, तपस्या पूर्ण होने पर आपको अभीष्ट वर देंगे। इस प्रकार रुद्र गीत का प्रवचन करके भगवान शिव चले गए और ये लोग उनके चरणों में प्रणाम किए। आगे के 25वां अध्याय में कहते हैं कि जब वो लोग देखे कि भगवान शिव अंतर्हित हो गए, बड़े भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किए, सब लोग खड़े होकर भगवान शिव का अभिवादन किए और खड़ा होकर के जल में 10,000 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ किए। तो इन प्रचेताओं की कथा तो यही पूरा कर रहे हैं। इसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ठीक उसी समय, जिस समय प्रचेता लोग स्तोत्र पाठ में लगे हुए थे, भगवान शिव के बताए हुए रुद्र गीत के पाठ करने में लगे हुए थे, और इनके पिताजी प्राचीन बरही कर्मकांड में, इतना कर्मकांड में लगे हुए थे, रम गए थे कि उन्हें कुछ सुध ही नहीं था। यज्ञ करना, यज्ञ में यज्ञ पशुओं का वध करना, तो देवर्षि नारद विचार किए कि बेचारा कर्म पिशाच प्राचीन बरही, बच्चे तो चलो भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन ये तो कर्म पिशाच एकदम कर्म में लगा हुआ है, स्वर्गीय लाभ के लिए, स्वर्ग सुख के लिए कर्मकांड में लगा हुआ है। तो परम कृपालु नारद जी आए और आकर के कहे, राजन तू कर्मों के द्वारा कौन सा कल्याण चाहता है, क्या प्राप्त कर लेगा? कहते हैं कि दुख के अत्यंतिक नाश और परमानंद के प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह कर्मों से नहीं मिलता है। श्रेयस्तम कतमर राजन कर्मणात्मन इह से, कौन कल्याण, क्या श्रेय चाहते हो? दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तम नेह चेष्यते, अरे दुख के अत्यंतिक नाश और परमानंद के प्राप्ति, इसको कल्याण कहते हैं। कल्याण तो, श्रेय तो उसको कहते हैं जो दुख एकदम नष्ट हो गया, दुख का नामो निशान है, किसी प्रकार का दुख ना हो, और परमानेंट सुख मिल गया, सुख कभी समाप्त ना हो। ऐसा नहीं कि एक दिन सुख मिल गया, खूब अच्छा खाने पीने को मिला, बहुत सुख है, बहुत सुख है, इसके बाद अब कई दिन भोजन ही नहीं मिल रहा है, भूख के मारे मर रहे हैं। यहाँ के किसी पदार्थ में सुख नहीं, अगर व्याख्या पूर्वक समझा जाए, खूब बढ़िया एक एक चीज का विश्लेषण करके, तो आप किसी एक सुख का नाम रखिए, हम उसको दुख के रूप में बतला देते हैं, कि वो निश्चित दुख है। मान लीजिए कि आपको खाने के लिए बहुत अच्छा पदार्थ मिला, खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास आपके मन अनुकूल भोजन, और कहा जाए आप खाइए, एक सीमा है खाने का, खूब अच्छा है तो खूब अच्छा नहीं से खा नहीं सकते हैं, अगर खा लिए खूब जम कर ठूस कर तो फिर अपच, पच नहीं पाएगा, खूब खाए तो निश्चित रूप से आपको हानि करेगा। अगर वो सुखकर चीज है तो कितना हूँ खाने से हानि नहीं करना चाहिए ना,
लेकिन हानि करेगा, वो दुख के रूप में बदलने वाला है। यहाँ का कोई भी भोग दुख देने वाला, भगवान इसीलिए कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख जेवन एव ते आद्यंतवंत कौनते न ते सुरमते बुध। जो इंद्रियों के स्पर्श से प्राप्त होता है, सूंघ कर, देख कर, खा कर, स्पर्श करके जो सुख प्राप्त होता है, स्पर्शजा सुख, स्पर्शद में सारे सुख हैं, जितने इंद्रियों के डिमांड है सब, और स्पर्शदा सुख, स्त्री सुख आदि, स्पर्श करने में, आलिंगन में जो भी सुख है, वो दुख जो न एवते, दुख का जन्म देने वाला है, उससे दुख उत्पन्न होता है। एक तो उसकी विशेषता है कि दुख देने वाला है, दुख की जोनी है, और दूसरी बात है कि आद्यंतवंत कौनते, वो प्रारंभ होगा और अंत होगा, ये नहीं कि तुम प्राप्त किए तो बस सुख मिला। आद्यंतवंत कौन थे, प्रारंभ करते ही वो अंत होने वाला है, आदि प्रारंभ होकर फिर अंत हो जाएगा, नष्ट होगा, वो टिकाऊ नहीं है। मान लीजिए खूब खा लिए तो चलो 5-6 साल कोई जरूरत नहीं, तुरंत सुबह खाए तो बस 2-4 घंटा में भूख लगेगा, वो खाते ही पचना चालू हो जाता है, पेट में डाले की पचना चालू, खत्म होना चालू, फिर भूख लगेगा, अंत होने वाला है उस सुख का। इसलिए बुद्धिमान लोग इसका महत्व नहीं देते, इसमें रमते नहीं है। आद्यंतवंत कौन ते न तेसु रमते बुध, बुद्धिमान लोग इसमें नहीं रमण करते हैं। तब इसका मतलब कि जितने लोग इसमें आनंद ले रहे हैं वो बुद्धिमान नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि सब मूर्ख है भगवान के शब्दों में। जो इसमें सुख बुद्धि कर रहे हैं भोगों में, वो कृष्ण के अनुसार मूर्ख है, बुद्ध नहीं है। न तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग नहीं रमते। तो तुम दुख की अत्यंतिक नाश और परमानंद के प्राप्ति के लिए करो कर्म, यह कल्याण है। इन कर्मों से, इन यज्ञों से सब मिलने वाला नहीं है। कहते हैं मेरी बुद्धि तो कर्म में फंस गई है, मैं क्या करूं, मुझको कल्याण का पता ही नहीं है, मैं कैसे इस कर्म बंधन से छूटूं, उपदेश तो कीजिए प्रभु। राजा प्राचीन बरही, इस गृहस्थ में गृहस्थ धर्म कपट से भरा हुआ है। गृहेशु कुट धर्मेशु पुत्र दाद धनार्थ धी, एक दूसरे के लोग चीटिंग कर रहे हैं, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, एक दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं, ये कुट धर्म है, सब इसमें फंसे हुए हैं और इसको परमार्थ मानता है अज्ञान के कारण। वो राजा कह रहे हैं कि मैं भी समझता हूँ कि कपट धर्म है। न परम बिंदते मूढ़ो भ्रामयन संसार वर्त मसु, अज्ञान बस लोग इसी में भटक रहे हैं, कल्याण मिल ही नहीं पाता, हे देवर से कोई उपाय बताइए कैसे कल्याण हो। नारद जी कहते हैं देखो आकाश में ऊपर, जिन पशुओं को जग में बध किए हो, हजारों पशुओं को, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारे द्वारा दिए गए पीड़ाओं के बदला लेने के लिए तैयार है। जब शरीर छोड़ोगे तो लोहे के समान लंबा लंबा नुकीला सींग वाले पशु तुमको सींगों से छेदेंगे। देख लिया, फिल्म नहीं दिखाया, एकदम नरक का सीन दिखा दिया प्रकट। तब तो महाराज प्राचीन बरही एकदम कांप गए, कहे प्रभु क्या होगा, क्या होगा, जग में इन पशुओं का वध करके और तुच्छ स्वर्ग के लिए इतना जग करता, कर्मकांड में फंसा है, भगवान का भजन नहीं करता है। तब एक इतिहास कहते हैं नारद जी, मैं सुना रहा हूँ, जरा सावधान होकर सुनो। ये है पुरंजनो पख्यान, महाराज पुरंजन की कथा, एक रूपक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि एक पुरंजन नामक राजा था, बड़ा यशस्वी राजा था, और उसके एक मित्र थे अभिज्ञात, लेकिन अभिज्ञात की चेष्टा को कोई समझ नहीं पा रहा था। राजा पुरंजन अपने रहने की जगह खोज रहा था कि कहाँ निवास करूं, तो पृथ्वी में घूमते 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 उसको कोई स्थान ही नहीं मिल रहा था, कहाँ किला बनावे। जब तरह तरह के भोगों की लालसा करते करते वो घूम रहा था, तो एक दिन वो हिमालय के दक्षिणवर्ती प्रदेश में गया, पृथ्वी पर घूम रहा था चारों तरफ, सारे देशों में गया, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगा, विदेश के देशों में मन नहीं लगा, हिमालय के दक्षिण जो क्षेत्र है समतल, गंगा जमुना से आवृत जो क्षेत्र भारत भूमि है, वहां उसको बहुत अच्छा लगा। हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों कर्म भूमि भारत खंड, वहां जब आया तो वहां देखता है कि 9 द्वार वाला एक नगर है जिसके 9 गेट हैं,
और सब प्रकार से सुलक्षण है, बड़ा सुंदर दिखा महल, बहुत सुंदर परकोटे, बागीचे, पार्क, अटारियां, खाइयां, बड़े सुंदर सुंदर पिलर हैं, झरोखे हैं, सोना चांदी लोहे के अलग अलग पिलर, पताकाएं फहरा रही हैं, एकदम भोगवती के समान दिखाई दे रहा है। खेलने का मैदान, चौराहा, विश्राम स्थल, खूब सुंदर पताकाएं और पार्क बागीचे, उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष, फल फूल, और इसके साथ साथ वन्य के पशु अलग अलग अद्भुत रूप देख रहे हैं। देखकर वहाँ पक्षियों के कलरव, कोकिल का गुंजायमान स्वर, भौरों का तान, सब सुनाई दे रहा है चारों तरफ। बहुत सुंदर लग रहा है बागीचा, लग रहा है कि ये आकर्षित कर रहा है स्थान, बुला रहा है, मानो विश्राम करने के लिए बुला रहा है। अरे बटोही, क्या भटक रहे हो, आओ विश्राम कर लो मेरे ठंडे ठंडे वृक्ष के नीचे। बड़ा सुंदर लगा। पुरंजन घूम रहा था, तब तक देखता है तो एक सुंदरी, एक प्रमदा आ गई। यदीक्षया आगताम तत्र ददर्श प्रमदो तमाम। घूमते हुए देख रहा है कि वहीं एक सुंदरी, एक युवती आ गई अकस्मात, और उसके साथ 10 सेवक थे, और जिनमें प्रत्येक 100-100 नायिकाओं के पति थे, और एक सांप, 5 फण वाला सर्प था आगे, वही इस नगर की रक्षा कर रहा है सांप। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी, और देखने में ऐसा लग रहा था अविवाहिता है और अपने लिए किसी योग्य पति की खोज कर रही है। ये पुरंजन देख लिया उसको, जब दृष्टि उसके ऊपर पड़ी तो एकदम हतप्रभ हो गया, देखता रह गया। पुरंजन देख रहा है, बड़ा सुंदर है, उसकी सुघर नासिका है। पुरुरवा महाराज कहते हैं, कैसे आदमी सोचता है स्त्री के विषय में, कैसे चित फंसता है, तो उसके एक एक अंग, उसका एक एक चाल, उसकी बोली, उसका व्यवहार, सब कुछ चित में फंस जाता है और उसी को सोचता रहता है। कह रहे कितना सुंदर है, देखो इसका मुख कितना सुंदर है, कानों में कुंडल झिलमिला रहा है, रंग सांवला है, बहुत मनोरम है, पीली साड़ी पहनी हुई है, चरणों में नुपुर का झनकार है, साक्षात देवी है, लगता है कि स्वर्ग की कोई देवी है। पुरंजन महाराज अब विचार कर रहे हैं, यह गजगामिनी, किशोर अवस्था की सूचना देने वाले इसके सुंदर स्तन एकदम आकर्षित कर रहा है महाराज पुरंजन को। बार बार अपने स्तनों को लज्जा बस आंचल से ढक रही है, एकदम प्रभावित हो गया बेचारा, और उस पर भी जब निकट आई तो अपने प्रेम पूरी चितवन मटकाती हुई भौहों से जब महाराज पुरुरवा के तरफ देखी स्मित मुस्कान के साथ, तो एकदम घायल हो गया। अब तो महाराज का कोई बस नहीं चल रहा है, बोलने लगे एकदम जाकर, मुझे बताओ तुम किसकी बेटी हो, हे साध्वी, इस समय कहाँ से आ रही हो, तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, तरह तरह की बात पूछ रहे हैं, और ये जो सेवक हैं 10, ये तुम्हारे हैं क्या, ये सहेलियां कौन है, और ये सर्प कौन है, और कहाँ यहाँ आप घूम रही हैं, आप साक्षात लज्जा देवी लग रही हैं। वो बोल नहीं रही है, संकोच कर रही है, अपने घूंघट से अपने को छिपा रही है। कहते हैं तुम तो साक्षात लज्जा देवी लग रही हो, इतना संकोच क्यों कर रही हो, बोलती क्यों नहीं हो, क्या तुम विष्णु की पत्नी रमा हो, या शिव की पार्वती, कौन हो, या ब्राह्मणी हो, इस वन में मुनियों की तरह क्यों घूम रही हो, क्या अपने पतिदेव की खोज कर रही हो, तुम्हारे प्राणनाथ कहाँ गए हैं जिसके लिए तुम खोज रही हो, तुम कौन हो, कमला देवी हो, हमको तो लगता है कि तुम साक्षात लक्ष्मी हो, लेकिन तुम्हारे हाथ का कमल कहाँ गया, कमल नहीं है हाथ में, कमल का फूल। इस प्रकार बड़ी कामुकता में बोलते बोलते कहने लगे, लेकिन देवी तुम स्वर्गीय देवी नहीं हो, न तुम लक्ष्मी हो, न पार्वती हो, न स्वर्ग की कोई देवी हो, तुम मानवी हो, क्योंकि तुम्हारा चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहा है। देवता लोग तो धरती पर पैर नहीं रखते, ऊपर ऊपर चलते हैं। जब तुम स्वर्गीय देवी नहीं हो, निश्चित रूप से किसी मनुष्य की पुत्री हो, आज तुम्हारा जो चितवन है वो हमारे हृदय को बेद चुका है, और तुम्हारी लजीली और रति भाव से भरी मुस्कान, इससे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे चाहती हो, और मेरा चित तो एकदम पूर्णतः तुम में आसक्त है। देवी आप कृपा करो, हे सुस्मिते, हे मधुर मुस्कान वाली,
आपके सुघर भाव है, सुंदर नेत्र मुझको पूर्णतः बाधित कर दिया है, आपकी लंबी लंबी अलकावली काली केश है और मधुर मुस्कान सब सर्वांग आकर्षित कर रहा है पुरंजन को। इसलिए हे देवी लज्जा छोड़ो, एक बार मेरे तरफ देखो, अपने सुंदर मुख को दर्शन कराओ, घूंघट में मत छिपाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा आश्रय स्वीकार करो, हमारी पत्नी बनो और मेरे साथ विहार करो। इस सुख से इस सुंदर भवन जो दिखाई दे रहा है नौ दरवाजे वाले, इसमें हम रहेंगे, राजा हैं। तो नारद जी कहते हैं कि राजा पुरंजन की इस अधीरता भरी याचना को बाला हंसते हुए स्वीकार कर ली और हंस कर कही कि हे नरश्रेष्ठ, कौन मुझे उत्पन्न किया है उसका ठीक पता मुझे नहीं है, पता नहीं कहाँ से मेरा जन्म हो गया, कैसे मैं उत्पन्न हो गई, मेरी क्या गोत्र है, क्या जाति है, मेरा बाप कौन है, ये सब मुझको पता नहीं है। लेकिन यह पूरी जो है, जो नौ द्वार वाली पूरी का मुझे पता है, मैं जानती हूँ ये क्या है और इसमें मैं रहना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मुझे यह भी पता नहीं है कि इस पूरी को किसने बनाया, कौन तैयार किया है, लेकिन खाली है, सखियां मेरी है, ये मित्र जो है सखा दस वो भी मेरे साथ है, यह सर्प है जो मेरे पहरादार है, हम सभी लोगों के सो जाने पर भी ये जगा रहता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ आए, आप आइए इस भवन में रहिए, अपनी शक्ति भर जितना हमारा सामर्थ है हम आपको भोग प्रस्तुत करेंगे। तो इस प्रकार इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्ष निवास कीजिए इसमें, भला आपको छोड़कर हम कहाँ जाऊंगी, कोई भी रमणी आपको देखकर एक बार प्रभावित हो जाएगी। इस लोक में जो सुख है, धर्म अर्थ काम संतान सुख मोक्ष सुख सुजस, ये सब गृहस्थ आश्रम में प्राप्त होता है महाराज। ये सन्यासी त्यागी जति जन तो इसकी कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि क्या है गृहस्थी का सुख। आइए हम लोग गृहस्थी का आनंद लें। महापुरुषों का कथन है कि पितर देव ऋषि आदि जो ऋण है वो सब इसी गृहस्थ आश्रम से पूरा होता है। तो हे वीर सुमड़े, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो आप जैसे सुप्रसिद्ध पुरुष को प्राप्त करके पति नहीं बनाएगी। निश्चित रूप से हम आपको अपना पति बनाती हैं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। आगे देवर्षि नारद कहते हैं कि अब तो पुरंजन महाराज उस पुरंजनी के साथ उस नौ द्वार वाले भवन में निवास करने लगे, नाना प्रकार की क्रीड़ा आनंद होने लगा। उस नौ दरवाजे जो है द्वार में, उसमें सात नगर के ऊपर हैं, दो नीचे, और उसे निकलकर वे अलग अलग दिशाओं में विहार करते हैं, अलग अलग भोगों को भोगते हैं। और नौ गेट नौ दिशा में जाता है, विविध प्रकार के दरवाजे से निकलते हैं और विविध प्रकार के भोग भोगते हैं। पूर्व की ओर जाने वाला खद्योता और आविर्भूत दो दरवाजा है, उसे निकल करके पुरंजन अपने मित्र द्युमान से विभ्राजित क्षेत्र में जाता है और विविध सुख को भोगता है। इसी प्रकार उस नलनी और नालनी द्वार से भी जाता है, जो एक जगह से अवधूत नामक मित्र के साथ सौरभ प्रदेश में जाता है, गंध को लेता है, विविध प्रकार के गंधों को लेता है। पांचवा द्वार मुख्य द्वार, इसमें वह निकलता है रसग और विपण साथियों के साथ, और बहुदन और आपन प्रदेश में जाता है, खूब खाता पीता है, रस लेता है, टेस्ट भोगता है। इस तरह से वो विविध सुख को भोगता हुआ पुरंजन आनंद ले रहा है। पश्चिम दिशा में आसुरी नामक दरवाजा है, उसे होकर ग्रामक देश में जाता है, और दूसरा निरीति नामक दरवाजा है, लुब्धक के साथ वो बैसस देश में जाता है, और तरह तरह की आनंद विषय भोग भोगता है। तो इस तरह से उस रमणी के साथ रमण करते हुए पुरंजन इतना बुरी तरह फंस गए कि रानी जो करती थी वही पुरंजन महाराज करते थे। कभी कभी वह मद्यपान करती थी तो वह भी पीते थे, उन्मत्त होकर पड़ जाती थी तो उसके साथ रहते, जब वो भोजन करती तब भोजन करते, जब कुछ चबाती तब वो चबाते थे, जब वो गाने लगती तब गाने लगते, जब रोने लगती तब रोते, जब हंसती थी तब हंसते थे। क्वचित पिबंत्या पिबती मदिरा मद बिहला, अस्नंत्याम क्वचित स्नाती जक्षथ्याम सह जक्षति, क्वचित गायती गायंत्या रुदंत्याम रुदती क्वचित। जैसा जो करती वही वो करते, हंसने लगती तो हंसते थे, रोती थी तो रोते थे,
बोलती थी तो बोलते थे, कभी तेज दौड़ जाती थी तो पीछे से दौड़ जाते थे, खड़ी हो जाती थी तो खड़ा होते थे, और बैठती थी तो बैठते थे, कभी सुनने लगती तो सुनते थे, देखती थी जिधर देखती उधर ही देखते, जो सूंघने लगती तो वो भी सूंघना चाहते, जिस चीज को छूती उसी को छूते। अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। इस तरह से कभी शोकाकुल हो जाती तो बेचारे दीन होकर उसको मनाने लगते, अत्यंत दीन हो जाते, जब प्रसन्न हो जाती तब एकदम खिल जाते। क्या पुरंजन की दशा हुई एक स्त्री के फेरे में पड़कर, कि इस प्रकार वह पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठग लिए गए, तो इस प्रकार वह सारा समय पुरंजनी के साथ बीतने लगा, ऐसा विवश हो गया। मैत्रेय जी कहते हैं कि एकदम बंदर की तरह, जैसे बंदर नचाने वाला बस में कर लेता है बंदर को, और जैसा जैसा कहता है या खेल खेलने वाले जैसे बंदर का इशारा करता है वैसे चलता है, वैसे चलने लगा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई। तो स्त्री के बस में होकर सारा नर समाज नारी के अधीन होकर वैसे नाचता है जैसे मदारी बंदर को नचाता है। विप्रलब्धो महिष एवं सर्व प्रकृति वंचितः, बंदर की तरह एकदम मुट्ठी में हो गए पुरंजनी के पुरंजन महाराज। एक दिन की घटना है। पुरंजन को पहले से ही स्वभाव था शिकार खेलने का, शौक था। एक दिन मन में आया कि चलो वन में चलते हैं, शिकार खेल कर आते हैं। अभी पुरंजनी महारानी सोई हुई थी, उनसे कुछ पूछे नहीं, धनुष बाण उठाए और आखेट के लिए वन में चले गए। खूब जमकर पशुओं का वध किए बिना मतलब के, कोई जरूरत नहीं था, ऐसे ही अनेक पशुओं का वध किए उच्छृंखल भाव से, मारे मृगारी की तरह अनेक पशुओं को मारे। इस प्रकार से पशु वध करते हुए पुरंजन बहुत थक गए, दिन भर शिकार खेलते रहे, थक गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए, अत्यंत शिथिल शरीर हुआ। लौट कर शाम को जब घर में आए तब प्रिया की याद आया, गए उसके महल में तो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई, वो सब पलंग खाली है, सब कुछ यहाँ कहीं कहाँ गई। तो कुछ दासियों से पूछने लगे, सुंदरी कहाँ गई, बेचैन हो गए। कुछ दासियों ने स्त्रियों ने कहा कि हे नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया को क्या हो गई है, कहाँ है, तो देखिए ना यहाँ इस घर में बिना बिछौने के बिना पलंग के कोप भवन में पड़ी हुई है, कोई आसन नहीं, कुछ नहीं, कोई कपड़ा, कोई श्रृंगार नहीं। अपने रानी को जब पृथ्वी में देखे गिरे हुए तो एकदम व्याकुल हो गए और अनेक तरह से समझाने का कोशिश करने लगे, मनाने का खूब कोशिश किए, तरह तरह के कोशिश कर रहे हैं उनको उठा करके। पहले तो सबसे पहले क्या किए, शुरू में जा करके एकदम सीधे जैसे गुरुजनों को, गुरु को, पिता को, बड़े भाई को किया जाता है, वैसे जाकर सीधे चरण छुए, प्रणाम किए, और प्रणाम करके फिर गोद में बिठाए और प्यार से सहलाते हुए केस के ऊपर हाथ फेरते हुए लगे समझाने। कहते हैं कि हे देवी, हे सुंदरी, वह सेवक निश्चित रूप से अभागा है जिनके अपराध करने पर स्वामी नाराज होकर चुप हो जाए, दंड न दे। अगर सेवक से कोई गलती बन गई तो तत्काल दंड दे दे, तो इसका मतलब कि उसका भाग्य है सेवक का कि स्वामी तुरंत दंड दे दिया। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उसके ऊपर अनुग्रह है। हम तो ऐसे सेवक हैं कि हमको अगर जो उचित दंड मिलेगा हम आसानी से सह लेंगे, कोई दुख नहीं मानेंगे। अपने को सेवक और उस पुरंजनी को स्वामी कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई भूल से अनजान में कोई गलती हो गया है तो हे स्वामिनी जी दंड दीजिए ना, हम सहने के लिए तैयार हैं, खुशी से सहेंगे, कोई दुख नहीं मानेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ऊपर स्वामी नाराज होकर कुछ दंड नहीं दे। एक बार मुझे अपना समझ कर प्रणय भार और लज्जा से झुका हुआ है मधुर मुस्कान युक्त चितवन दिखाओ। अब तो पुरंजनी मुंह लटकाई तो देख ही नहीं रही थी कि राजा के तरफ, एकदम सिर लटकाई और ये पुरंजन मनाने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जरा अपना मुख दिखाओ, भ्रमर पक्ति के समान नीली अलकावली उन्नत नासिका सुमधुर बाणी। अरे बोलिए ना, डांटिए ना मुझको, जो भी बोलना है गाली ही देना है दीजिए, आप ऐसे मत कीजिए, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मनमोहक मुखारविंद इस तरह लटका हुआ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा देखो, क्रोधित होकर के बोलो, डांटो। हे वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने आपका कोई अपराध कर दिया हो
मान लीजिए हो सकता है ज्यादा तो उम्मीद है कि हम पर अब्रंज है, पता भी है अपराध का कि बिना पूछे शिकार करने चले गए, लेकिन अगर किसी दूसरे ने अपमान किया है आपका तो अगर वह ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं अभी उसको दंड दे सकता हूँ, वो जीवित नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन हे देवी, अगर ब्राह्मण होगा तो हमारा बस वहाँ नहीं चलेगा, मैं ब्राह्मण को कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु का भक्त अगर आपको कुछ बोल दिया हो, अपमान कर दिया हो, तो उस पर भी हमारा बस नहीं चल सकता है। ब्राह्मण और वैष्णव को छोड़कर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके अपराध करके सुख पूर्वक जी सकता है, वो आनंद पूर्वक रह सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। आप बतलाइए कौन आपका अपराध किया है। हे देवी, मैं क्या बतलाऊं, व्यसन बस पहले का आदत था, शिकार खेलने चला गया बिना पूछे, अवश्य मुझसे अपराध हुआ है, फिर भी अपना समझकर मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, क्षमा कर दो। अपने प्रिय पति के उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती, आप कृपा कीजिए। तन्मे प्रसिद्ध सुहृद कृत के लिए विशस्य, हमसे अपराध हो गया है, स्वयरम गत से मृगयाम व्यसनातुरस्य, क्या कहूँ, आदत बस चला गया शिकार करने, का देवरम बस गतम कुसमास्त्र बेग विस्तस्त पौनसन मुसती न भजेत कृते। आप प्रसन्न हो जाइए हे स्वामिनी जी, आप प्रसन्न हो जाइए, जो उचित दंड हो उसे दीजिए, आप बेचारे क्षमा याचना कर रहे हैं। और उधर पुरंजनी नाराज है, सुन रही है, लेकिन विविध प्रकार के नखरों से पुरंजन को अपने बस में कर ली थी, अब ये उसका नखरा था, ये तो केवल पति को इस तरह वशीभूत करने की एक शैली है, बिना पूछे चला गया तो कुछ गलानी करे, अफसोस करे, क्षमा मांगे, बस कम से कम सॉरी तो कहे। इस तरह जब कह दिया तो पुरंजनी फिर प्रसन्न हो गई, और आगे 27वें अध्याय में वर्णन है कि फिर आनंद पूर्वक विहार चालू हुआ। इस प्रकार उनका चित्त अपने पत्नी में बहुत आसक्त था, और कभी जमकर मदपान करती थी, और पुरंजन महाराज भी पीते थे, और अपनी प्रिया के भुजा पर सिर रखकर शयन करते थे। इस तरह उनके जीवन का वो समय ऐसा बीतने लगा कि कितना काल बीत गया पुरंजन को पता ही नहीं चला, उनकी पूरी जवानी आधे क्षण के समान बीत गई, पता भी नहीं। तो हे राजन, इस तरह से महाराज पुरंजन पुरंजनी से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं प्राप्त किए, जो अपने माता पिता के जस बढ़ाने वाले थे। और इस प्रकार फिर पुरंजन ने पितृवंश के वृद्धि के लिए अपने बेटा बेटी का विवाह किए, एक एक पुत्र 100-100 पुत्र प्राप्त किए, सारा पंचाल देश भर गया, उधर उत्तर भारत के और उधर पंजाब का सारा क्षेत्र। फिर इस प्रकार से वे लोग तरह तरह से अनेक भोगों की कामना से यज्ञ किए, और उन यज्ञ में विविध प्रकार के पशुओं का हत्या किया गया, हिंसामय यज्ञ किया गया। कुटुम्ब पालन में बेचारा इतना व्यस्त रहा कि अपना बीतता हुआ जीवन का पता नहीं चला, वृद्धावस्था आ गई। और वृद्धावस्था के विषय में कहते हैं कि लंपट पुरुषों को बड़ा दुख देने वाला है, जो स्त्री कामी व्यक्ति हैं उनको वृद्धावस्था तो बड़ा दुखदायी है। तो फिर आगे कहते हैं कि हे राजन, चंडवेग नामक एक गंधर्व राज है, 360 बलवान गंधर्व उसके साथ रहते हैं, और 360 गंधर्वियां भी रहती हैं, स्त्रियां भी, बारी बारी से चक्कर लगाते हैं और भोग विलास करते हुए नगरी को लूटते रहते हैं, किसी भी नगरी पर आक्रमण कर देते हैं। अब गंधर्व राज चंडवेग के अनुचर आए और पुरंजन के नगर को लूटना प्रारंभ कर, एकदम एकाएक चढ़ाई कर दिया चंडवेग। पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला बेचारा वो सर्प खूब कोशिश किया, लेकिन 100 वर्ष तक लड़ाई होते रहा, और गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा, बहुत कालों तक युद्ध करने के बाद वो भी थक गया, अब क्या करें। इस प्रकार पुरंजन को जब पता चला कि ये तो हमारा पहरेदार भी थक गया है, अब उसको भय होने लगा कि इस नगर में तो घुस जाएगा, लूट रहा है। नारद जी कहते हैं कि हे बहिष्मन, हे महाराज प्राचीन बरही, इन्हीं दिनों काल की एक कन्या थी, वो काल कन्या जरा, और वो विवाह के लिए अपने योग्य पति को ढूंढ रही थी, लेकिन उस दुर्भगा के साथ कौन विवाह करेगा, काल कन्या है जरा, जरा माने बुढ़ापा। कहते हैं इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति उस जरा को भी स्वीकार किया था, जजाति का बेटा पुरु, अपने पिता से वो जरा लिया था जौवन देकर, और दूसरा तो कोई नहीं करेगा, राज प्राप्ति किया। तो इस तरह से
वो बर चाहती थी, कामातुरा थी, चाह रही थी कि बर खोजे। नारद जी कहते हैं कि एक बार मुझसे भी भेंट हो गया उसका, मुझको नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर थोड़ा दुखी हुई, लेकिन अपना इच्छा प्रकट की कि हम विवाह करना चाहते हैं। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया। 21-22 श्लोक में कि मई सनभ्य विपुलम अदा छापम सुदुसहम, जब मेरे पास आई और मैं उसको स्वीकार नहीं किया तो मुझे श्राप देने लगी। तुम मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार करते हो तो मैं तुमको श्राप देती हूँ कि एक स्थान पर नहीं टिक पाओगी। तो ये श्राप तो उनको दक्ष से मिल ही चुका था, इसका रिपीटेशन कर दी। तो नारद जी तब मेरी ओर से निराश होकर वो मेरी सहमति से जवन राज के पास गई। जवन राज भय उसको पति रूप में वर्णन किया और कहा, हे बीरवर, आप जवनों में श्रेष्ठ हैं, आपसे मैं प्रेम करती हूँ, आपको पति बनाना चाहती हूँ और आप मुझे स्वीकार कीजिए। आप दीनों पर दया करने वाले हैं, पुरुष का सबसे बड़ा धर्म है दीनहीन पर दया करे और खास करके स्त्री पर। तो काल कन्या की बात सुनकर जवन राज ने विधाता का गुप्त कार्य समझकर मुस्कुराने लगा, कहा कि ठीक है, मैंने जोग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया हूँ। मैं तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारा विवाह करा दूंगा, चिंता मत करो। तुम अलक्षित होकर लोगों को भोगेगी, जाओ। मैं तुमको सलाह देता हूँ कि प्रज्वार नामक मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा, आज दोनों के साथ हम भोगेंगे, इस लोक में विचरण करेंगे। चलो, पत्नी नहीं बनाया, उनको बहन बना लिया और कहा कि प्रज्वार भाई है, चलो। तो फिर ये दोनों आगे 28वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि फिर एक काल कन्या के साथ पृथ्वी पर जवन राज विचरण करने लगा। एक बार देखे कि ये बूढ़ा सांप से सुरक्षित तो पुरंजनपुरी, इसके ऊपर ये लोग चढ़ाई कर लिए जवन राज और एक काल कन्या। वहां जाकर काल कन्या बलात् उस पुरी को प्रजा को भोगने लगी और वहाँ बहु कुटुम्बी पुरंजन तो बड़ा दुखी होने लगा और सताने लगी। पुरंजन को बड़ा कष्ट होने लगा और काल कन्या जब उसमें प्रवेश की तो काल कन्या के स्पर्श से, आलिंगन से बेचारा बहुत खीन हो गया। उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया गया, सब नष्ट भ्रष्ट होने लगा, सारा स्त्री स्नेह सब कुछ खत्म, चिंता में डूब रहा है एकदम। केवल जिंदगी बिता है कि स्त्री के साथ, पुरंजनी के साथ लालन पालन में। अब तो चारों ओर से जवान, गंधर्व, काल कन्या सारे राज्य को घेर लिया। जवान राज के बड़े भाई प्रज्वार अब इस प्रकार सारे पुरी में आग लगा दिए, सब जलने लगा पूरा। अब तो कोई रक्षा नहीं कर सकता था। सर्प को भी बहुत पीड़ा हुआ, एकदम भयंकर कांपते हुए भागने लगा, उसका अंग प्रत्यंग ढीला हो गया, शक्ति नष्ट हो गई, अब रोक नहीं पाया। और यह इधर गृहशक्त बूढ़ा पुरंजन एकदम चिंता में होकर जल रहा है, मर रहा है, अब क्या करें, इतने पुत्र परिवार पौत्र पूरा बड़ा समाज और सब लूट रहा है, जल रहा है नगर। हाय हाय, मेरी भारजा तो बहुत गृह वाली हो गई, अगर मैं मर जाऊंगा तो बेचारी का पालन कौन करेगा, अब चिंता कर रहा है। कह रहा है कि क्या मुझसे कोई भूल हो जाती तो मुझे अपना समझ कर सचेत करती थी, कभी कोई गलती होने पर मुझको बतलाती थी, समझाती थी, हमारे हर जीवन में बहुत मदद की, मुझसे बहुत इसका स्नेह है। मैं परदेश चल जाता था तो बेचारी विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी, कुछ खाती पीती नहीं थी, क्या कहें, मेरे पीछे गृहस्थ आश्रम कैसे चलाएगी, चिंता से मर रहा है। अब इतना चिंता कर रहा है तब तक आ गया जवन राज। जवन राज आ करके बांध लिया और फिर शोकाकुल होकर छपटा रहा था, बलपूर्वक खींचकर पुरंजन को ले गया। उसको कोई ध्यान ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हमको क्या करना है। अब पुरंजन अज्ञात बस अपने हितैषी पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार दिन रात पुरंजनी के चिंतन करने के कारण जब पुरंजन का वह शरीर पूरा हुआ, जग पशुओं को बलि दिया था, बड़ा कष्ट किया था, बहुत यज्ञ में विवेक तो नष्ट हो गई थी, कर्मकांड में फंसकर, स्त्री में फंसकर, और जब शरीर छूटा तो पुरंजन स्त्री बन गया। अब महाराज पुरंजन का दूसरा शरीर हुआ तो विदर्भ राज के यहाँ एक कन्या के रूप में जन्म लिया, राजा की कन्या। पहले राजकुमार था, अब राजकुमारी हो गया। और जब विदर्भ नंदिनी के रूप में ज्योति हुआ सयाना, तब महाराज मलय ध्वज के साथ उसका विवाह हुआ। मलय ध्वज ने उससे 7 पुत्र प्राप्त किए और 1 पुत्री।
सातों द्रविड़ देश के राजा हुए। आगे वर्णन करते हैं कि बाद में मलय ध्वज महाराज अपने पुत्रों में अपने राज संपदा को बांट करके भजन करने के लिए वन में चले गए। जैसे महात्माओं के मुख से भजन की पद्धति सुने थे, वैसे अपने चित्तवृत्ति को योग प्राणायाम के द्वारा एकाग्र करके भगवान का भजन करने लगे। और इधर वैदर्भी भी अपने पति का अनुगमन करते हुए गई, वन में चली गई उनके साथ। तो ये वानप्रस्थ का नियम पालन करते हुए, यम नियम आदि से इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए 100 दिव्य वर्षों तक निश्चल भाव से एक स्थान में रहकर भगवान का चिंतन किए, उनके रूप का, उनके लीलाओं का। और भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो गया और शरीर और शरीरगत जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि, ये सबसे ऊपर हो गए, उनको कोई भान नहीं हो रहा था। तो इस तरह भगवान श्री हरि के रूप को, गुण को, लीलाओं को चिंतन करते हुए विशुद्ध भाव में स्थिर होकर समाधि में भजन करने लगे। कुछ दिनों तक जब भजन करते 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 देहादि उपाधियों से पृथक होकर केवल भगवान का चिंतन करते थे, कोई भावना नहीं थी दैहिक भावना, मैं राजा था या मेरे राज्य है, मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पुत्री है, पुत्र है या मेरी पत्नी है, कुछ नहीं। इस प्रकार जब भगवान का चिंतन करने लगे, विदर्भ महाराज की बेटी पुरंजन बड़ा प्रेम करते थे उनसे, और जब देखे कि इस तरह से शांत हो गए, भजन करते 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 एक दिन शरीर शांत हो गया, और शरीर शांत हो गया तो जाकर छूती है अपने पति के साथ ही, छुई तो एकदम ठंडा है, नाक के पास कोई हवा नहीं, कोई सांस नहीं, तो एकदम छटपटाने लगी, ऐसे रोने लगी जैसे किसी झुंड से बिछड़ा हुआ हरिण मृगी एकांत में पड़ जाए और कोई बाघ आ जाए और सिंह आ जाए उसको देख कर कांपने लगे, या गाय जैसे कसाई को देखकर कांपती है वैसे कांपने लगी भैदर भी, और लगी रोने, और इतना रोने लगी आंखों से बहता हुआ आंसू उसके स्तन को भिंगाता हुआ नीचे गिर रहा था, और रो रो कर कहती है आप उठिए, देखिए चोर बदमाश लुटेरे राज्य में बढ़ गए हैं, आप उनको शासित कीजिए, तरह तरह की बातें कह रही है, खूब विलाप कर रही है, रो रो कर आंसू बहा रही है। फिर लकड़ियों का चीता बना करके उस शव को, अपने पति के शव को उस पर रखती है और निश्चय कर रही है कि मैं भी अपने पति के साथ सती होंगी। आग लगाकर ज्यों ही उस चीता में कूदना चाहती है, तब तक वहीं पर एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण आता है, और ब्राह्मण आकर के कहता है कि तू कौन है, किसकी पुत्री है, किसके लिए तू शोक कर रही है, का तुम कश्यासी को वायम सयानो जस्य सोचसी, किसके लिए तू सोच कर रही है, क्यों रो रही है, जनासी किम सखायम माम ए नागरे विचर्थ, तुमको कुछ पता है अपने विषय में, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, ये कौन है, किसके लिए रो रही हो, क्या तुम मुझको जानती हो, मुझे पहचानती हो। वो तो एकदम हाका बका हो गई कि ये ब्राह्मण कहाँ से आ गया, क्या पूछ रहा है, ये सोया हुआ मरा हुआ व्यक्ति कौन है और मैं कौन हूँ, जानासी किम सखायम माम, अरे मैं तुम्हारा सखा हूँ, मुझे जानती हो, मेरे साथ तुम रहती थी पर मेरे विषय में पता नहीं है। संबोधन करते हैं कि अरे सखे अपि स्मर्षि चात्मानम अभिज्ञात सखम सखे, हे सखे जरा मेरे तरफ देखो, पहचानो पहचानो, मैं तुम्हारा पुराना मित्र अज्ञात सखा हूँ, हित्वा माम पद्मन वीक्षण भौम भोग रतो गतः, अरे मित्र मेरा साथ छोड़कर तुम पृथ्वी पर भोग भोगने के लिए आए और इतना मस्त हो गए, इसमें फंस गए, तुमको कुछ भी पता नहीं है, पहले तुम विचार करो, अपने स्वरूप को देखो, पहले हम और तुम एक मित्र थे और इस प्रकार साथ साथ रहते थे, सहसों वर्ष एक साथ निवास किए हैं एक साथ, और तुम हमको छोड़ करके इस पृथ्वी पर भोग भोगने के लिए आ गए, तुम इसके पहले भी जो पुरंजन नामक राजकुमार था वो भी तुम नहीं हो, और न आज वैदर्भी रूप में तुम राजकुमारी हो, और न वो तुम्हारा पुरंजन नगर तुम्हारा था, वो नौ द्वार वाला, तुम इस तरह चिंता मत करो, अपनी दुर्दशा को देखो, क्यों भूल गए हो, न तू पुरंजन था न तू वैदर्भी है और न ये तुम्हारा पति है, तुम कहाँ हमारा मित्र, तुम जिसको याद करना चाहिए उसको भूल कर यार कहाँ फंस गए हो, ये उचित नहीं है, देखो उस स्त्री के संग से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है, न तुम विदर्भ राज की पुत्री हो न ये तुम्हारा मलय ध्वज तुम्हारा पति है,
कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो, ये सब मेरी फैलाई हुई माया है। इतना जो बखेड़ा हुआ, वास्तव में न तू पुरुष हो न स्त्री हो, हमारा वास्तविक स्वरूप का अनुभव करो, मैं तुम्हारा सच्चा मित्र अभिज्ञात सखा हूँ, मेरे विषय में तुम नहीं जानते हो। मित्र मैं अपना स्वरूप बताऊं, अहम भवान न चान्यस्तम तम एवाहम विचक्षु भो न नउपश्यन्ति कवय छिद्रम जातु मनागपि। अरे मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ, तुम जीव हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, विचार पूर्वक देखो, तुम मेरा स्वरूप हो। ज्ञानी पुरुष इस विषय को समझकर मेरा भजन करते हैं, मुझ में रहते हैं, एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं रहना चाहते। लेकिन भूल क्या हुआ है जानते हो, मुझे छोड़कर तुम विषय भोगने के फेरे में पड़े हो, इसलिए यार इतना दुख हो रहा है, इतना संकट जो तुम्हारे ऊपर उपस्थित हुआ है मेरे भूलने के कारण, मुझे भूल गया इसलिए ये हुआ है। जब मैं तुमको सावधान किया हूँ तो तुम सावधान हो जाओ, देखो अपने स्वरूप को देखो, एक आत्मा विद्या विद्या की उपाधि से किस तरह से दुखी होता है, ज्ञान में हो जाओ, मेरी भावना भावित हो जाओ, कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाओ, इसलिए तुम इस व्यवहार को छोड़ो, सावधान हो जाओ। तो हे प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया, क्योंकि यह ईश्वर को बहुत प्रिय है। तो महाराज प्राचीन बरही कह रहे हैं, भगवान से बचो समाधि न सम्यक अवगम्यते। हे नाथ, आपने जो प्रवचन किया ना, वो ठीक ठीक मेरे समझ में आया नहीं, ये पुरंजन पुरंजनी का इतिहास मेरे दिमाग में नहीं आया कि आप सुना दिए। कवय तद विजानंती, विद्वान लोग इसको समझ जाते हैं, न वयम कर्म मोहिता, लेकिन हमारे जैसे कर्म जड़ व्यक्ति तो मुश्किल है। खोल कर बताइए, पुरंजन कौन राजा था? ऐ पुरंजनी, थोड़ा क्लियर कीजिए, पुरंजन कौन था? तब महाराज अब बताना चाहते हैं। देखिए नारद जी खूब बढ़िया से इतिहास पुरंजन परिवार की व्याख्या करते हैं, कहते हैं कि राजन ए पुरंजय इति पुरंजन, जो पूर का रंजन करता है, निर्माण करता है अपने कर्मों से, अपने कर्मानुसार विविध घर जो बनाता है वही है पुरंजन। स्वयं अपने द्वारा गृह का निर्माण करता है अपने कर्मों से, वह है पुरंजन। वह पुरंजन जीव है, जीव ही पुरंजन है। अब बढ़िया से इस इतिहास को जो दो तीन अध्याय में सुने उसका अर्थ सुनिए। पुरंजन कौन है? जीव। जीव अपने कर्मानुसार अच्छा बुरा उत्तम निम्न प्रकार का शरीर निर्माण करता है। शरीर तो कर्मों का रिजल्ट है, जैसा कर्म वैसा शरीर मिलेगा। अच्छा कर्म किया, अच्छा शरीर, देव शरीर, ब्राह्मण शरीर, भारत वर्ष में जन्म, और बुरा कर्म हुआ तो विविध जोनियों में नारकीय जीवन में जाना पड़ेगा। और अविज्ञात सखा कौन है? जो जीव के साथ सदैव हितैषी रूप में, परमात्मा रूप में रहता है, साथ साथ चुपचाप रहता है, देखता है बस साक्षी मात्र में है, वही जीवात्मा के सच्चा हितैषी है। और वही जब कृपा करके साधु महात्मा के रूप में, गुरु रूप में कभी कभी हित करता है, परमात्मा रूप से भी ज्ञान देता है, भजन जीव करने लगता है तो बुद्धि देता है, ददामी बुद्धि जोगम तम जैन माम उपयांति थे, आ नहीं तो बस चुप रहता है। नरक में जाओगे नरक में जाएगा, सुअर के शरीर में जाओगे वहां भी जाएगा, चुपचाप देखेगा, कुछ बोलेगा नहीं, और जो भी करोगे उसका गवाही करेगा। पुरंजनी जी कौन है? पुरंजनी जी है हमारी बुद्धि, अविद्या, अविद्याग्रस्त बुद्धि, यही है पुरंजनी। पुरंजनी के सखा 10 कौन है? 10 इंद्रियां, और सखियां है इंद्रियों की वृत्तियां। एक एक इंद्रियों की कितनी वृत्तियां है गिनना मुश्किल है। और 9 द्वार वाला भवन कौन है? पुरंजन। पूर कौन है? पूर महल। तो 9 द्वार वाला पूर है मानव शरीर, और भारत वर्ष में मानव शरीर, हिमालय के दक्षिण, बहुत महत्वपूर्ण शरीर है, मुश्किल से मिलता है, सारे दुनिया में घूम आया लेकिन यहीं के मनुष्य शरीर प्रसन्न हुआ। 9 दरवाजा है मानव शरीर में, मनुष्य रूपी किला में। ये 9 दरवाजा कौन कौन है? 5 पूरब के ओर खुलता है, 1 उत्तर के ओर, 1 दक्षिण के ओर, 2 पश्चिम के ओर, ये 5 दरवाजा है, ये छिद्र है, नेत्र गोलक और नासा छिद्र और मुख, ये 5 दरवाजा पूरब की ओर, और 1 दक्षिण के ओर, और 1 उत्तर के ओर, कान।
तो जो उत्तर की ओर है, जो बाएं तरफ है वो उत्तर का दरवाजा है और दाएं तरफ है वो दक्षिण का दरवाजा है। और इसके बाद दो नीचे लिंग और गुदायद, ये पश्चिम द्वार है। तो ये नौ द्वार से इस शरीर में रहकर, इस घर में रहकर, किला में रहकर, इनसे नौ दरवाजों से निकल निकल कर अलग क्षेत्रों में विहार करता है पुरंजन, और पुरंजनी उसकी गाइड करती है, जैसी बुद्धि देती है ऐसा करो ऐसा करो, हाँ में हाँ मिलाता है। नगर का जो रक्षक है वो प्राण है, सर्प। उसके पांच फण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांच फण वाला सांप। कभी कभी इस शरीर को ही पुरंजन रथ के रूप में उपयोग करता है, युद्ध के लिए जाता है, विषय भोग के लिए जाता है, पूरा शरीर को लेकर। शरीर रथ जब बनता है तो इस रथ के घोड़े होते हैं पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि। काल जो है संवत्सर बेग, वो रथ के बेग है। और पहिया जो है रथ को चलाने वाला पाप पुण्य। जीवे है सुख दुख आदि। और ध्वजा है तीन गुण, मन बागडोर है, और सात धातुएं हैं त्वचा आदि। चंड बेग कौन है? गंधर्व राज, ये संवत्सर है साल। और गंधर्व गंधर्विया जो उसकी सेना है वो कौन है? दिन रात, 360 दिन 360 रात एक साल में। काल कन्या कौन है? जो चढ़ाई की वृद्धावस्था। और जवन राज है मृत्यु, और प्रज्वार है शीत, उष्ण, बुखार, सर्दी, गर्मी आदि। तो पुरंजन की कथा कह करके इसके तात्पर्य को समझाते हुए नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव इसी में फंस करके भोग भोगता है, विषय भोगता है। 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है, विषयों की लालसा से इधर उधर दौड़ता है, तरह तरह की लालसा करता है, इसके कारण ऊंच नीच कर्म करता रहता है। इस प्रकार कर्म और गुणों के अनुसार कभी देव जोनी, कभी मनुष्य जोनी, कभी पशु जोनी, कभी वृक्ष जोनी, तरह तरह का शरीर प्राप्त करता है। कभी वो स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है। इस प्रकार तरह तरह के भोग भोगते हुए जीव इस संसार में जाता रहता है। जब तक उसको आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान नहीं मिलता तब तक वो इसी तरह से भ्रमण करता है। अर्थे है विद्यमाने पि संस्थिति न निवर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर में विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार दृश्यमान न होने पर भी जब तक अज्ञान की निद्रा टूटती नहीं तब तक वह दिखाई देता है। इसी तरह हाय 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 जैसे सपना में बन जाता है, वैसे संस्थिति तब तक नहीं मिटती, संसार तब तक नहीं मिटता है जब तक ज्ञान नहीं छा जाता है। फिर आगे कहते हैं कि हे राजन, जिस अविद्या के कारण व्यक्ति इस आत्मा के स्वरूप को भूल कर अनर्थ परंपरा में इस संसार में पड़ा हुआ है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। संस्कृति तद व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरु। जब वह आध्यात्मिक महात्मा के पीछे, साधु के पीछे जाता है, उनसे प्रार्थना करता है और उपदेश करते हैं, तब वह मुक्त होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः सद्धि चीने न वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। जब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एकाग्रता पूर्वक नहीं किया जाता तब तक वैराग्य नहीं होता इस संसार से। खूब सुदृढ़ता से श्रवण कीर्तन करना पड़ता है, भगवान के विषय में सुनना, बोलना, स्मरण करना, ये भक्ति की जाती है। भक्ति योग समाहित एकाग्रता से, निष्ठा से, प्रेम से जब भजन किया जाता है तब सद्धि चेनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति, तब वैराग्य होता है। भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य होता है। भक्ति का प्रकट स्वरूप है, वह स्वरूप है भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान के विषय में वर्णन। जत्र भगवता राजन साधो विशदाशया भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेत सह। इस प्रकार जब व्यक्ति सोचिरा देव राजर्षे स्याच्युत कथाश्रय, हे राजर्षे यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं पर आश्रित है। भगवान की कथा जब होती है तब भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। श्रवणम, भगवान के विषय में जब सुनते हैं तब भक्ति, तब समझ में आता है। कथा सुनते हैं तो कथा के माध्यम से समझ में आती है कि भगवान हमारे सुहृद हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे अपने हैं।
भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए, भगवान के प्रेम करने की तरीका है भगवान के नाम का जप करना, मंगला आरती करना, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, उनके विषय में कथा सुनना, उनकी सेवा करना, ये सब बातें सुनने पर पता चलती है। श्याद च्युत कथाश्रय, कथा के आश्रय में भक्ति होती है एकदम। इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन सुनता है उसे बहुत शीघ्र भक्ति प्राप्त होती है। ये देखिए 38 नंबर का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सो चिरा देव राजर्षे स्याद च्युत कथाश्रय श्रीवत सदधानस्य नित्यदा स्याद धीयत। प्रतिदिन भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में पढ़ना, पाठ करना, इसलिए भगवत गुण कथा को सुनना चाहिए। जत्र भागवता राजन साधो विशदाशया भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेत। इस प्रकार हे राजर्षे, जहाँ भगवान के गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध भक्त जन निवास करते हैं, उस साधु समाज में उस महापुरुषों के मुख से निकली हुई भगवान मधुसूदन की कथा चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती है और वह अमृत छक कर पान करते हैं, तब सब भूख प्यास मोह आदि सारी बाधा मिट जाती है। भगवान के भक्त जहाँ जिस समाज में रहते हैं उस समाज में भगवान श्री हरि की कथा होती है, और कथा जब होती है तो कथा होने पर तस्मिन महन मुखरिता मधुभी चरित्र, मधुभी चरित्र मधुसूदन का चरित्र या खूब मधुर चरित्र भगवान की कही जाती है, तो पीयूष शेष सरिता परिता श्रवंती, कथा होती रहती है उसमें गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं, पीते हैं छक कर, खूब बढ़िया से स्नान करते हैं। आ ताये पिबंत त्रिशो निपगाढ़ कर्ण, कैसे पीते हैं, मुंह से नहीं, कान से, कान के दोना से पीते हैं। तान स्पिशंती असन त्रिंग भय शोक मोहा, जब कथा कान में प्रवेश करती है तो भूख प्यास भय शोक मोह ममता सारा खत्म, सब कुछ समाप्त कर देती है। कथा जब सुनते हैं तो कथा के माध्यम से सारा संसारिक दुख समाप्त। प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरिशो मनु दक्षा दया प्रजाध्यक्षा नैषिका सनकादय मरीचि यत्री अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ इत्येते मदंता ब्रह्मवादिन अद्यापि वाचस्पतय तपो विद्या समाधि भी पश्यंतो पि न पश्यंती पश्यंतम परमेश्वरम। तीन श्लोक एक साथ बोलते, एक साथ अन्वय है कि प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरिशो मनु, अरे साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी गिरीश, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्ष, प्रजापति गण, सनकादिक नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण, सनक सनंदन सनातन आदि, और मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और मैं, देवर्षि नारद अपने को कह रहे हैं कि सब सभी क्या करते हैं, सभी लोग जितने ब्रह्मवादी मुनिगण है सब वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि से ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी आज तक भगवान इतना में है, भगवान का यह स्वरूप है इसको निर्धारित नहीं कर पाए। पश्यंतो पि न पश्यंती, देख कर भी नहीं देख सकते हैं, पश्यंतम परमेश्वरम, परमेश्वर के रूप गुण लीला का निर्धारण नहीं कर पाए। हम लोग थक गए, किसी के पास क्षमता नहीं है कि कह दे कि बस भगवान का इतना गुण है, हो गया, सीमा है, ऐसा नहीं। हृदय में बार बार चिंतन होने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं उसी समय वो लौकिक व्यवहार और वैदिक मार्ग की सारी आस्था छूट जाता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मतिरेया, देखो वास्तव में कर्म वही है जिसे हरि प्रसन्न हो, और वही विद्या विद्या है जिसे हरि में मन लगे। 49 नंबर के श्लोक का अंतिम पंक्ति है, और जिन कर्मों से लाखों प्रकार के कर्मों से अगर भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो बेकार, और वही विद्या विद्या है जिसे मन भगवान में लग जाए, अगर नहीं लगा तो स्कूल कॉलेज की विद्या ये अविद्या है, ये कसाई खाना है, लोगों का वध हो रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्कूल कॉलेज अविद्या पढ़ा रही है,
और इस अविद्या में मानव का हिंसा हो रहा है, बध हो रहा है, ये बधशाला है। लोग पढ़ पढ़ करके भगवान को भूल रहे हैं। और ऐसे पढ़ने वाले लोगों को प्रभुपाद जी कहा करते थे ज्ञानी मूर्ख। एक नंबर का मूर्ख है लेकिन अभिमान है कि ज्ञानी हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, PhD डीलिट, कोई ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी एक किस्सा कहा करते थे, आप सभी लोग जानते हैं लेकिन प्रसंग पाकर कह रहा हूँ, कि एक नाव पर एक नाविक के साथ एक पढ़ा लिखा वैज्ञानिक जा रहा था, तो चलते चलते समुद्र के यात्रा में था तो पूछ दिया उस नाविक से कि अरे नाविक फिजिक्स जानते हो? तो कहा कि नहीं सरकार, हमें तो पता नहीं है फिजिक्स किस चिड़िया का नाम है। तो कहा अरे मूर्ख, कहीं का इस वैज्ञानिक युग में तू फिजिक्स नहीं जानता है, तुम्हारा 25% जीवन बेकार। फिर आगे कहा कि केमिस्ट्री जानते हो? ना। तुम्हारा 50% जीवन बेकार। और मैथमेटिक्स गणित जानते हो? कहा ना सरकार। अरे मूर्ख, कहीं का 75% जीवन तुम्हारा बेकार हो गया। तब तक समुद्र में एक तूफान आ गया। तब वो नाविक पूछता है कि सरकार आप स्विमिंग जानते हैं, तैरना? तो कहना नहीं नाविक। तो हमारा तो 75%, आपका तो 100% जीवन बेकार। तो इस तरह भवसागर पार करने के लिए सब डिग्री काम देने वाला नहीं है। सा विद्या तन्मति रेया, विद्या वह है जिसे मति भगवान में लग जाए। कोई एक क्लास भी नहीं पढ़ा है लेकिन महामंत्र जपना जानता है तो फर्स्ट क्लास का स्कॉलर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार महामंत्र जपना जानता है, भगवान को प्रणाम करना जानता है, भगवान की कथा में सुख बुद्धि है, आनंद लेता है, तो फर्स्ट क्लास विद्वान है। फिर कहते हैं हरि देह भृतात् मात्मा स्वयं प्रकृति ईश्वर तत्पाद मूलम शरणम जत्क्षेमो निरामिह। अरे श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा है, नियामक है, स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्य की एकमात्र आश्रय है, उनसे बढ़कर और कोई कल्याण नहीं है, भगवान का भजन करो। वही हरि सवै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद सवै विद्वान यो विद्वान स गुरु हरि। कह रहे हैं कि देखो जिनसे किसी भी प्रकार अणुमात्र भय नहीं होता है वही सबके प्रियतम आत्मा है, अपने हैं, निकटतम प्रिय हैं। और जो ऐसा पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही गुरु है, और जो इस तरह का गुरु है वो साक्षात हरि है। सबसे प्रिय व्यक्ति भगवान है और वही सबके प्रिय है, वो आत्मा है, उनसे एक अणु मात्र भी भय नहीं होता है। जब वो प्राप्त हो जाते हैं तो निर्भयता हो जाती है। कहीं भी वन में, जंगल में, नदी में, पहाड़ में भगवान हमारे साथ हैं। इति वेद सवै विद्वान, इस बात को जो जानता है कि हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, हमारे अपने भगवान हैं, तो वह व्यक्ति विद्वान है, जानकार है। आयो विद्वान स गुरु, जो इस प्रकार की बात को जानता है वो गुरु है, दूसरों को सिखा सकता है। जिसके मन में यह विश्वास है कि कृष्ण हमारे हैं, अपने हैं, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, हमारी रक्षा करेंगे, किसी भी अवस्था में हमारे सुहृद हैं, हमारे अपने हैं, प्रेमी हैं। तो इस ज्ञान को जो जानता है वो विद्वान है, और जब विद्वान है तो गुरु है, वो दूसरों को भी सिखा सकता है। और जब इस तरह का गुरुता धारण किया है तो हरि है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री उक्तस्थता भाव्यतय व सदभी। सारे शास्त्र और सारे विद्वान कहते हैं कि वो साक्षात हरि है, लेकिन उसके अंदर ये भावना नहीं है कि हम साक्षात हरि हैं, ऐसा वो नहीं मानता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तुरंत स्पष्ट करते हैं, किंतु प्रभोर्ज प्रिय एव तस्य वंदे गुरु सहचरणारविंदम। कहते हैं किंतु वह यह मानता है कि मैं प्रभु का प्रिय सेवक हूँ, वह अपने को हरि नहीं मानता है, ऐसे गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इस अभिनिवेश में नहीं होता है मैं गुरु हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन वास्तव में वह जो काम कर रहा है लोगों का हित करने का काम, जो भगवान का दिव्य संदेश को ऐसी चीज प्रस्तुत करता है, कृष्ण के रूप को, कृष्ण के गुण को, कृष्ण के लीलाओं को, कृष्ण के नाम को, जो हूबहु जैसा है वैसा प्रस्तुत करता है, वह गुरु है। तो इस तरह हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं जो कुछ भी कहा उसे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हुआ,
अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ एक गुप्त साधन तुमको बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। क्षुद्र शरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम षडंग्रि गण साम सुख लुब्ध कर्णम अग्रे विकान सुत्रिपो विगण्य यांतम पृष्ठे मृगम मृगया लुब्धक बाण भिन्नम। ध्यान से सुनिए, पुष्प वाटिका में अपनी हरिणियों के साथ विहार करता हुआ एक हरिन मस्ती में घूम रहा था, डूब चर रहा था, छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कानों में वहीं निकट के सरोवरों से गुंजायमान भ्रमरों का संगीत सुनाई दे रहा था, मधुर गुंजार। और उस संगीत को सुनने में वो हरिन इतना मस्त था और डूब चर रहा था। आगे पीछे हरिन बच्चे सब साथ चल रहे थे और उसके सामने दूसरे जीवों को मारने वाले मृगारी जैसा पीछे शिकारी व्याध बेंधने के लिए उस पर बाण छोड़ना चाहता है, परंतु हरिन इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है, चल रहा है। एक बार उस हरिन के दशा पर विचार करो राजन, एक बार विचार करो। व्यक्ति मृग प्राय हरिन जैसा है, चारों तरफ से मृत्यु घिरा हुआ है, वो डूब चर रहा है, डूब चरने में मस्त है और पीछे से बहेलिया बाण लगाया है, उसको पता ही नहीं है। डूब चरते चरते कभी भौरों का गुंजार सुनने लगता है, उसको मधुर आवाज सुनाई दे रहा है और उसको सुनता है, और तब तक बहेलिया आ गए, अपना बाण संधान कर दिया। ठीक यही दशा है। देखो यह रूपक का आश्रय समझो, तुम ही वह मृग हो, हरिन हो। अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह स्त्रियां केवल देखने में सुंदर लग रही हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ये पुष्प वाटिका है और इसमें रहकर पुष्पों के मधु और गंध से क्षुद्र होकर सकाम कर्मों में फंसा हुआ जीव इस प्रकार से उसे भोगने के फेर में पड़ा हुआ है। और अपने जीव से जननेन्द्रियों से प्रिय लगने वाले भोजन स्त्री संग में खूब फंसा हुआ है, लगा हुआ है, इसमें खूब रस है। स्त्री पुत्रों के मधुर भाषण ये भवनों का गुंजार है, ये बोलते हैं मधुर, तुम्हारे कान उसमें आसक्त हो रहे हैं। सामने भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन रात आ रहा है, वो गुपचुप आता है, काल मारता है बाण, वो तुम्हारे हृदय को बिंध डालता है। देखो इस प्रकार मृग की स्थिति में तुम अपने को पड़े हो, जीवन के काल बीत रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे बीतता है समय लेकिन पता नहीं चलता है। इसी प्रकार अपने को मृग सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय से निरुद्ध करो। देखो नदी की भांति प्रवाहित होने वाली ये इंद्रियां किस तरह से जा रही हैं। जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती है उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों का आश्रम स्वीकार करो महाराज। परमहंसों के आश्रय हरि को प्रसन्न करो, सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। इस कर्म में पड़ने में कुछ नहीं है, क्यों कर्म जाल में पड़े हो। चलो परमहंसों का शरण लो, भजन करो भजन। इस तरह से महाराज प्राचीन बरही को देवर्षि नारद उपदेश करते हैं। प्राचीन बरही महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपने बहुत सुंदर उपदेश किया। वास्तव में मेरी स्थिति पर विचार करके जो आपने उपदेश किया हमको ज्ञान हो गया। आप वास्तव में मंत्र द्रष्टा हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, हमारे कर्म बंधन को काट दिए। आप कृपा किए, आप जैसे महात्माओं का वास्तव में कृपा जब तक नहीं होगा ये कर्म बंधन नहीं कटेगा। अब बहुत बड़ी कृपा किए प्रभु। तो इस तरह नारद जी कहते हैं कि देखो आप इस प्रकार अपरोक्ष रूप से यहाँ लोक परलोक में प्राप्त होने वाले सुख के विषय में तो अनुभव कर लिए। आप एक काम कीजिए, मन को इंद्रियों के प्रवाह को रोको और ये जो शरीर के सुख है, दैहिक सुख है, इस पर कंट्रोल करो, इनसे मुक्त होने का प्रयास करो। इससे कुछ सुख मिलने वाला नहीं है, ये केवल दुख देने वाला है। इसके बाद अंत में कहते हैं कि आप कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए श्री हरि का शरण ग्रहण करो, सब मिलाकर भगवान का भजन करो। हे महाराज, आप अब इन असत विषयों को छोड़िए, कर्म बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भज सर्वात्मना हरिम, आप भगवान का भजन कीजिए। जो भगवान इस सृष्टि को किए हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, उनका भजन कीजिए। तो इस प्रकार जब देवर्षि नारद ने उपदेश किया तो महाराज प्राचीन बरही प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंप कर भगवान कपिल के आश्रम की ओर चल दिए भजन करने, विरक्त हो गए। अभी प्रचेता लोग लौट कर भी नहीं आए, तब तक वो विरक्त हो चुके थे। इधर नारद जी इनको विरक्त कर दिए थे, इनका मन नहीं लगता था।
फिर देवर्षि नारद के द्वारा बताए हुए उपदेश को सुनकर एकदम भजन के लिए घर छोड़ दिए, चले गए कपिलाश्रम। फिर आगे कहते हैं कि एतद अध्यात्म पारोक्षम गीतम देवर्षिणानघ य श्रावणेद्य सुनियात सलिंगे न विमुच्यते। जो व्यक्ति इस ज्ञान को, जो देवर्षि नारद के द्वारा दिया गया ज्ञान है, उस ज्ञान को जो व्यक्ति सुनेगा और सुनाएगा वो इस लिंग देह से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ ये अध्यात्म ज्ञान भगवान मुकुंद के जस से संबंध रखने वाला है, परम पवित्र है, ये अंतःकरण को शोधन करने वाला है, परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इस कथा को सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा, फिर इस संसार चक्र में नहीं आएगा। इस प्रकार कथा सुना करके देवर्षि नारद चले गए। फिर विदुर जी प्रश्न करते हैं तीसवा अध्याय में, इस रुद्र गीत का स्तुति जो आप पहले वर्णन किए शुरू में चौबीसवां अध्याय में, प्राचीन बरही के पुत्रों के विषय में बताए कि वो रुद्र गीत का जप करते रहे 10,000 वर्ष तक, उनसे क्या सिद्धि मिली उनको, आप कृपा करके बताइए कि वो किस प्रकार उस स्तोत्र का पाठ करके सिद्धि प्राप्त किए, भगवान श्री हरि की प्राप्ति किए, आप कृपा करके बताइए। तब मैत्रेय मुनि फिर उसको बताते हैं कि वे पिता के आज्ञा से समुद्र के अंदर खड़ा होकर रुद्र गीत का जप किए, जिसे भगवान हरि को प्रसन्न कर लिए। 10,000 वर्ष बीत जाने पर जब प्रसन्न हो गए भगवान स्तोत्र को सुनकर, तब गरुण पर चढ़े हुए भगवान वहां आए और आ करके उनके सामने उपस्थित हुए। भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि भगवान बहुत सुंदर थे। फिर भगवान दया दृष्टि से निहारते हुए बोलने लगे कि हे राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब में परस्पर बहुत प्रेम मैत्री है, स्नेह बस एक ही धर्म का पालन करते हो, सौहार्द से रहते हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। और जो पुरुष सायंकाल प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसे अपने भाइयों में प्रेम होगा, और जो लोग सायंकाल और प्रातः काल एकाग्र चित से रुद्र गीत के द्वारा मेरी स्तुति करेगा उसको मैं अभीष्ट वर और बुद्धि दूंगा। और तुम लोगों ने बड़ी नम्रता से पिता की आज्ञा पालन करने के लिए शिव जी के द्वारा बताए हुए इस स्तोत्र का पाठ किया है। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा, वह गुणों में सब प्रकार ब्रह्मा जी के बराबर होगा और अपनी संतान से तीनों लोग को भर देगा। देखो राजकुमारों, एक बार की घटना है, एक कंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके तपस्या को नाश करने के लिए देवराज इंद्र के द्वारा प्रलोमचा नामक अप्सरा आई और उससे वो ऋषि संघ किए, जिससे एक पुत्री का जन्म हुआ। उसको छोड़कर वो स्वर्ग चली गई, तो उसी वन में उस लड़की को छोड़ दिया गया। तब इन वृक्षों ने उस कन्या का पालन पोषण किया है, औषधियों की राजा चंद्रमा ने दया बस उसका पालन किया है, अपनी अमृत वर्षित तर्जनी अंगुली देकर इसको जिलाया है। तुम लोग अपने पिता के राज्य को स्वीकार करो और ये सुंदरी जो वार्षी है, वृक्षों ने जिसका पालन किया है, आप इसको स्वीकार करो। तुम लोग दसों मिलकर इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करो और तुम दसों मिलकर इससे एक पुत्र प्राप्त करोगे, वो पुत्र होगा दक्ष। दक्ष जो ब्रह्मा जी का पुत्र था, वही दक्ष फिर पुत्र बनेगा। तुम लोगों में मेरी कृपा से 10,00,000 दिव्य वर्षों तक बलवान इंद्रियों के साथ इस पार्थिव भोग को भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति तुम्हारे हृदय में होगी और तुम हमें प्राप्त करोगे और फिर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो जिन लोगों के कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथाओं में बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में भी रहे तो कोई बंधन नहीं है। अगर व्यक्ति घर गृहस्थी में रहते हुए भी कर्म करे और उन कर्मों को भगवान को अर्पण करता चले कि हे प्रभु ये आपका है, मेरे बातचीत में मेरे कथा वार्ता में उसका समय बीतता रहे तो गृहस्थ आश्रम में भी रहे तो बंधन में नहीं है, मुक्त है। न बंधाए गृह मता, मेरे लिए माला बनाना, मेरा अर्चन करना, मेरे लिए भोग बनाना, मेरे लिए मंदिर में सेवा करना, सब कुछ करने पर और फिर मेरी चर्चा करना, कथा कीर्तन, तब वो बंधन में नहीं पड़ता है। न बंधाए गृह मता, नहीं बंधन में है। इसके साथ साथ कहते हैं कि वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते हैं, इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उसके हृदय में नित्य नया नया भासता हूँ
और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों का न मोह हो सकता है न शोक हो सकता है न हर्ष। नव्य वध्यते यज्ञो ब्रह्म ही तद ब्रह्मवाद भी न मुह्यंती न सोचंती न हिष्यंती जतो गता। इस प्रकार वह व्यक्ति जब मेरी कथाओं में लीन रहता है, मेरे विषय में सुनता है, तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तत्ववादी लोग जिस तत्व को विचार करते हैं वो तो अपने घर में कर रहा है। सारे तत्वों का मूल है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण की लीला कथा जिसके घर में होती है वो तो बड़े बड़े ब्रह्मवेताओं के समान मुक्त है। घर की गृहस्थी में भी न मुह्यंती न सोचंती, जब कथा के साथ रहता है तो सारे ज्ञान से युक्त रहता है, मोहित नहीं होता है, न शोक करता है और न संसार के उपलब्धियों से प्रसन्न होता है। इस तरह से प्रचेताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि हे प्रभु, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण नामों का कीर्तन करते हैं। मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। नमो नमः क्लेश विनाशाय निरोपितो दार गुण गुणा होयाय मनो बचो बेग पुरो जवाय सर्वाक्ष मार्गई गता ध्वने नमः। प्रभु आपको नमस्कार है, तरह तरह से नमस्कार कर रहे हैं प्रचेता लोग, कई श्लोक में प्रणाम कर रहे हैं उनके गुणों को। नमो विशुद्ध सत्वाय हरे हरिमेद से वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम। कुछ लोगों को इस तरह का भ्रम है, वैष्णवों को भ्रम नहीं होना चाहिए कि विष्णु राम कृष्ण नरसिंह वराह ये भिन्न भिन्न है, सबके उच्च कृष्ण हैं। जितने रूप है भगवत स्वरूप सबके मूल कृष्ण हैं। अगर विष्णु रूप की उपासना की जाती है, चतुर्भुज विष्णु की उपासना की जाती है, उसमें भी वासुदेवाय कृष्णाय वहां तो प्रकट विष्णु है, लेकिन वही विष्णु विष्णु हरि श्री कृष्ण है। सर्वव्यापक विष्णु जो है वो कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है। जयदेव जी ने समझा है, केशव धृत नरसिंह रूप केशव धृत राम शरीर केशव धृत मीन शरीर, वो समझ रहे हैं कि केशव ने धारण किया है ये सब रूप। सारा रूप किसी रूप में दिख रहा है वो कृष्ण का रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सभी वैष्णवों को जानना चाहिए, चाहे उसको प्रिय जो रूप हो उसकी उपासना करे, राम रूप प्रिय है राम की उपासना करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह जानकर उपासना करे केशव धृत राम शरीर। लक्ष्मी नारायण की उपासना करे कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास, लेकिन जानकर कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रजेन्द्रनंदन अद्वैत तत्व ही विष्णु के उत्स हैं, यह जानकर दक्षिण भारत की यात्रा में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को मजाक मजाक में कृष्ण तत्व का निरूपण किया। तो इस तरह वैष्णवों को समझना चाहिए, यहाँ विष्णु का उपासना किया जा रहा है, लेकिन नमो विशुद्ध सत्वाय हरे हरिमेद से वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम। इस तरह से प्रचेता लोग भगवान को नमस्कार कर रहे हैं कि हे कृष्ण आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमले क्षण। इस तरह से भगवान के अनेक रूपों में प्रणाम करते हुए प्रचेता लोग कहते हैं कि हे प्रभु हम आपसे क्या मांगे, क्या मांगा जाए बतलाइए। यदि भ्रमर को अनायास कल्प वृक्ष मिल जाए, कोई भ्रमर घूम रहा है रस लेने के लिए उसको कल्प वृक्ष मिल जाए, तो क्या वो किसी दूसरे वृक्ष के पास जाएगा, किसी दूसरे फूल के पास जाएगा? जब आपका चरण कमल मिल गया तो हम क्या चाहें, क्या हमको चाहिए? पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगो अन्यन्य सेवते। अगर पारिजात मिल गया किसी भ्रमर को तो वह अन्य किसी वृक्ष को नहीं प्राप्त करेगा। त्वंग्री मूल मासाद्य साक्षात किम किम वृणी मही, मैं दूसरा क्या क्या चाहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर अपने कर्मानुसार हम इस संसार में भटकते रहे तब तक आपके प्रेमी भक्तों का संग होता रहे। कर्मानुसार हम कहीं भी जाएं किसी भी जोनी में, लेकिन आपके भक्तों का संग मिले, क्योंकि उनके बीच आपकी कथा मिलती है। तुलेयाम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संग से अमरता नाम की मुतासी शायद। श्लोक कई बार आया है भागवत में कि भक्तों के संग की तुलना संसार के किसी सुख से नहीं किया जा सकता, न स्वर्ग के सुख से न मोक्ष के सुख से। यत्ते डंते कथा मृष्टा, क्या होता है भक्तों के संग में भाई, क्या होता है? तो कहते हैं यत्ते डंते कथा मृष्टा तिष्णाया प्रसमो यत निर्वैरम जत्र भूतेषु सोद्वेगो यत्र कश्चन।
कहते हैं कि भगवत भक्तों के समाज में भगवान की मधुर मीठी मीठी कथाएं होती है और जिनके श्रवण से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। भोगने की जो बीमारी है, जो पागलपन है कि ये भोग, वो पागलपन दूर हो जाता है। उसका सबसे बड़ा टॉनिक मिलता है यहाँ। यहाँ इतना सुंदर योजना है, व्यवस्था है कि उसके सुनने से प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात। जब कृष्ण कथा होती है तो ग्राम्य कथा जो होती है नाश हो जाता है उसका। जहाँ भगवान की कथा प्रस्तुत होती है तो वो कथा खत्म। जत नारायण साक्षात भगवान न्यासिनाम गति संस्तुयते सत कथा सुमुक्त संगई पुनः पुनः। जहाँ भगवान नारायण की साक्षात कथा होती है, निष्काम सन्यासियों का एकमात्र आश्रय भगवान नारायण, और उन सन्यासियों को कोई संसारिक जिम्मेवारी नहीं, कोई भोग की इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई कामना नहीं, लेकिन वो कृष्ण कथा को बार बार सुना करते हैं। ऐसे सन्यासियों का सत कथा सु संस्तुयते सत कथा सु मुक्त संगई पुनः पुनः। ऐसे नारायण देव को बार बार गुणगान होता रहता है। उन मुक्तों के बीच में, विरक्तों के बीच में नारायण की कथा होती है, क्योंकि एक ऐसा रस है जिसको सन्यासी लोग भी कहते रहते हैं। तेसाम विचरताम पदभ्याम तीर्था नाम पावने क्षया भीतस्य किम न रोचे तत्तावका नाम समागम। फिर आपके भक्त जन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य पृथ्वी पर पैदल घूमते हैं, भला उनका समागम संसार से भयभीत पुरुषों को क्यों नहीं रुचिकर होगा? वो कथा सुनाने के लिए घूमते हैं। तो हम लोग तो साक्षात आपके सखा भगवान शंकर की कृपा मानते हैं। भगवान शिव के कृपा से आज आपका दर्शन हुआ, धन्यवाद है भगवान शिव की। शिव की सेवा का यह फल है, शिव सेवा कर फल सुतसोई अविरल भक्ति राम पद होई। अब शिव जी के कृपा से आपका भेंट हुआ, आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं। आप वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जब भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम किए प्रचेता लोग, तो भगवान कहे ठीक है, आपकी कामना पूर्ण हो, तथास्तु कहकर भगवान चले गए। और प्रचेता लोग जब निकलते हैं तो सारा पृथ्वी वृक्षों से भरा हुआ है। हम सृष्टि करेंगे, जंगल पड़ा हुआ है, क्रोध से आग उत्पन्न करके सारे जंगल को जलाने लगे। तो वहाँ एक ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए, चंद्रमा उपस्थित हुए, कह रहे बेटा तुम प्रजापति हो, प्रजा पालन करना है, वृक्षों के जंगल में भी जीव मर रहे हैं, ऐसा मत करो। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से मारिशा के साथ, जिसका एक नाम वार्षी था, वृक्षों ने पालन किया था, उसके साथ प्रचेताओं ने विवाह किया और उनके गर्भ से एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम दक्ष था। वह दक्ष शिव जी की अवज्ञा करने के कारण बकरा का शरीर प्राप्त किया था, आप सुन चुके हैं। अब समाज में बकरे का शरीर लिए घूमना पड़ता था, इस लज्जा के मारे उसने उस शरीर को त्याग दिया। इसके बाद वही दक्ष फिर प्रचेताओं के पुत्र के रूप में आया, जो चाक्षुष मनमंत्र आने पर काल क्रम में वो जन्म लिया, नवीन प्रजा उत्पन्न किया। वो सृष्टि रचना में बड़ा कुशल था, इसलिए उसका नाम दक्ष हुआ। तो इन्हें ब्रह्मा जी ने फिर से प्रजापति बनाया। इस तरह से इस अध्याय में कथा कही गई है। फिर आगे प्रचेताओं को नारद जी का भेंट होता है और नारद जी के कृपा से ये प्रचेता लोग फिर अपना राज्य त्याग करके दक्ष को सौंप करके भजन में चले जाते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।